चलें ठीक है चलें तो क्योंकि मुझे पता नहीं रिकॉर्डिंग में क्या चला जाएगा और कोई हिजाब में होता है कोई नहीं हिजाब में होता है, वरना मुझे कोई एतराज नहीं है सब लोग भी कैमरे पे आ रहे हो तो कोई बात नहीं लेकिन कभी कभी ये होता है कोई um, हिजाब नहीं पहने हुए होते हैं और हिजाबी होते हैं तो फिर उसके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है तो आइए आज हम एक स्पेशल सेशन uh, कर रहे हैं इनशाला वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन सी आई यू उर्दू की तरफ से कैलिफोर्निया इस्लामिक यूनिवर्सिटी के उर्दू प्रोग्राम की तरफ से और इसमें आपको पता है हमने गज़ा व लिबास हमने ख़त्म कर लिए लेकिन उसमें कुछ सवाल थे स्पेशली मिसबा का भी था और फरीदा का भी था और कुछ लोगों को और भी था तो मैंने चूंकि आपको प्रॉमिस किया था कि मैं ये स्पेशल सेशन करूंगी जिसमें जेंडर रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे जेंडर रिलेशंस के बारे में बात करेंगे इस्लाम में यानी कि इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं मेल फीमेल इंटरेक्शन मर्द औरत का आपस में जो इंटरेक्शन होता है तो वो इस्लाम में उसके बारे में क्या है अब हम पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन अलहमद अल्लाह तला ने हमको ये मौका दिया कि आज हम एक सेशन इस पर कर लें तो आप सबको अगेन वेलकम और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये मैं मैंने कुछ अरसे पहले कुछ साल पहले जो है पता नहीं दो तीन साल हुए होंगे मुझे याद नहीं है लेकिन मैंने एक टॉक दी थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो को यू को उनके एम एस ए के लोग आए थे हमारे पास स्पेशली और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हम उनको जेंडर रिलेशन के बारे में उनसे बात करूं तो मैंने उनको ये टॉक दी थी और उसके बाद हमने बहुत सारे सवाल जवाब जो है वो उन्होंने पूछे इस पर और उसके हमने जवाब दिए थे ठीक है तो उसमें जो है ऑल दो आपको पता है एमएसए क्या होता है मुस्लिम स्टूडेंट्स एसोसिएशन और ये स्कूल कॉलेजेस में होता है यूनिवर्सिटीज में होता है यहां पर और वो लोग हर किस्म की एक्सपीरियंसिस कर चुके होते हैं और वो बहुत कुछ सीख चुके होते हैं और एक दूसरे के साथ भी मीटिंग्स करते रहते हैं सो तो ऑलरेडी उनको पता होना चाहिए लेकिन फिर भी उन्होंने रिक्वेस्ट की हमें कोई उनको ऐसे टिप्स दे दूं जो उनको हेल्प कर ले बिकॉज जब वो देखते हैं कि एक फीमेल प्रोफेसर है एक फीमेल टीचर है तो उनको ये होता है कि हम इनसे कुछ टिप्स ले लें ज्यादातर वो जाते हैं तो मेल्स होते हैं तो उनको ये था तो मैं उनको कुछ सिंपल से वेरी सिंपल टिप्स आपको कहते हैं बेसिक टिप्स कह दें आप उसको रिमाइंडर्स कह दें याद दिहानी करा दी उनको कि क्या क्या चीजें इस्लाम में आ, छोटा मतलब जरूरी है जो छोटी छोटी, छोटी चीजें हैं तो अम्म ये तमाम रिमाइंडर्स जो हैं जो मैं अब आपको बताऊंगी ये हो सकता है आपकी सिचुएशन पे हर सिचुएशन पे अप्लाई ना करे मतलब हंड्रेड परसेंट अप्लाई नहीं करेगा हो सकता फाइव परसेंट टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट अपलाई करे हो सकता है बिल्कुल अप्लाई नहीं करे मैं कुछ नहीं कह सकती लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि, कि आपके बच्चे इससे जरूर बेनिफिट कर सकते हैं अगर आप खुद जॉब कर रही हैं तो आपको भी बेनिफिट होगा और आपके बच्चों और बच्चों के बच्चों को भी इनशाला तो आप इसको जरूर अपने बच्चों तक पहुंचाएं और बच्चों के बच्चों तक भी पहुंचाएं अगर वो इस लेवल पे पहुंच गए कि वो स्कूलों से जाके और पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हैं कुछ भी क्योंकि यही उनका वक्त है सीखने का जो जवानी में वो सीख लेंगे ना वो उनके लिए बेस्ट है आगे अप्लाई करने के लिए वो उनके जहन नशीन हो जाता है वो उसको रिटेन कर लेते हैं तो जो मैंने उनको टॉक दी थी अब उसके बारे में बता रही हूं कि मैंने उस टॉक को जो मैंने उनको दी थी उसको मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था तो पहला पार्ट जो था वो है हाउ टू मेंटेन जेंडर रिलेशंस यानी आपस में जेंडर रिलेशंस कैसे मेंटेन करना चाहिए सेकंड पार्ट था उसका कि हाउ टू अपहोल्ड इस्लामिक वैल्यूज इन डिफिकल्ट सिचुएशंस यानी अगर कोई मुसीबत आ जाए कोई डिफिकल्टी uh, आ जाए जब आप एमएसए में आप अपने आप को इस तरह रखें कि आप एमएसए में हैं आप मुस्लिम स्टूडेंट्स एसोसिएशन में काम कर रही हैं उसकी एक आप ऑफिस बेरर है एक मेम्बर है और उसमें आपके सामने बहुत सारी डिफिकल्टीज आ सकती है क्योंकि हम यहाँ पर वेस्ट में रह रहे हैं अमेरिका में रह रहे हैं यहां पर क्या होता है? मुस्लिम हमारे जो, है, जो स्टूडेंट्स हैं अगर यानी हमारे जो बच्चे हैं अगर वो इस्लाम की तरफ रागब नहीं है अगर उनको इस्लाम का इतना नहीं है तो वो खुद ही जो मुसलमान स्टूडेंट्स है वो भी जरा अजीब नजरों से आ, आ, उनको देखते हैं ठीक है ना उनके बारे में इनकी व्यूज अच्छे नहीं होते वो हमेशा ही कहते हैं ओ एम एस एम एस ए ये है एम एस ए ये करता है अगर एम एस ए से एक भी गलती हो जाती है तो वो उनको पकड़ के बैठ जाते हैं तो एम एस ए का नाम यूजुअली खराब हो जाता है हालांकि एम एस ए बहुत डिफिकल्ट काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है बहुत जरूरी काम कर रही है क्योंकि एक गैर मुस्लिम मुल्क में रह के आप अगर अगर मुस्लिम स्टूडेंट्स एसोसिएशन बना के उसमें आप एक्टिव हैं तो यू आर लॉट ठीक है ना तो ये उनको कभी कभी डिफिकल्टीज आती हैं तो उसके बारे में मैंने उनको सेकंड पार्ट जो था मेरा उस पर फोकस था थर्ड पार्ट जो मेरा था कि किस तरह जो इन जनरल उनका जो एम है वो मोर इफेक्टिव कैसे हो सकता है मतलब उसका ज्यादा पुर असर कैसे हो सकता है ज्यादा मर कैसे हो सकता है ये बात थी तो थर्ड पार्ट तो आप लोगों को अप्लाई नहीं करेगी फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं आपको क्योंकि इसमें मैंने स्पेसिफिकली थर्ड पार्ट में एमएसए वालों को ये बताया कि एज ए एम एस ए आप अपने आप को इफेक्टिव किस तरह कर सकते हो लेकिन फर्स्ट टू पार्ट क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम होता है तो फर्स्ट पार्ट जो है मैं सबसे पहले आप आपके साथ वो शेयर करूंगी कि आपस में मर्द औरत के तालुकत कैसे होने चाहिए अब चूंकि मैं ये MSA के कॉन्टेक्ट में बोल रही हूं लेकिन ये हम सब पे अप्लाई होता है ठीक है और अगर आप जॉब कर रही हैं तो भी अगर आप किसी मर्द से वैसे भी किसी मौके पे भी मिलते हैं कहीं दावत पे जाते हैं कुछ भी तो किस तरह उनसे मिलना किस तरह उनसे इंटरेक्ट करना ठीक है तो जेंडर रिलेशन पे पहला होगा और सेकेंड इनशाला टाइम होगा उम्मीद है कि टाइम होगा कि हम सेकेंड पार्ट पे भी थोड़ा सा आ जाए कि अगर इस्लामिक वैल्यूज को आप किस तरह अपहोल्ड करेंगे अगर आप कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी और थर्ड पार्ट चूंकि मैंने आपको बताया रेलिवेंट नहीं है तो उसको हम अभी छोड़ देंगे इनशाला तो आइए पहले पार्ट पे चलते हैं कि सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि आइडियल जेंडर रिलेशंस मर्द औरत के दरमियान जो आइडियल जो उनके दरमियान जो रिलेशंस हैं जो उनका जो रिश्ता है वो सिर्फ उसी वक्त आप अचीव कर सकते हैं जबकि आपकी डिजायर आपकी ख्वाहिश जो है वो सिंसियर जबकि आप खलूस के साथ आप सिंसियरली आप उस रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाह रही हैं और आपके पास अवेयरनेस हो आपको ये होश हो ये हवास हो ये समझ हो ये अंडरस्टैंडिंग हो कि जो बाउंड्रीज जो हैं औरत मर्द के दरमियान हम उसको रियलिस्टिकली और हम उसको सिंसियरली um, हम उसको ढूंढ रहे हैं अगर हम वैसे ही सुन रहे हैं कि भाई चलिए हम सुन लेते हैं नसरीन का एक और लेक्चर है हम सुन लेते हैं देन इट वॉन्ट वर्क ओके तो ये जेंडर रिलेशन जो है ये एक्चुअली बहुत ट्रिकी होती है ये बहुत ट्रिकी होती है लेकिन इसका एक की है एक की है यानी इसकी एक एक लफ्स में अगर उनको बोला जाए ना कि आप जेंडर ऑपोजिट जेंडर से जब आप मिलते हैं मर्द औरत से मिलती है मर्द औरत जब एक दूसरे से मिलते हैं मर्द मिलती नहीं है औरत मिलती है मर्द मिलता है तो जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो इसका की ये है कि आप आपस में बिल्कुल नॉर्मली बात करें जस्ट यू हैव यू जस्ट हैव टू बी नॉर्मल ये बात आप याद करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका शायद आपकी माइक है प्लीज माइक बंद कर लीजिए तो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप किस तरह करेंगे सवाल फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो नॉर्मल तो मैंने आपको कीवर्ड बता दिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जब आप औरत मर्द आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो आपकी इंटेंशन आपकी नीयत जो है वो राइट होनी चाहिए करेक्ट होनी चाहिए आप ये एम करें कि हमारा आपस में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए इज्जत है एक दूसरे के लिए लव भी है क्योंकि हम सब मुसलमान है और हम अल्लाह की रजा के लिए मिल रहे हैं तो आपकी अगर इंटेंशन क्लियर होगी तो आपका फर्स्ट स्टेप समझिए हो गया यानी उसमें आपका गोल ये होना चाहिए अगर आप दोनों की एक ही गोल एक मर्द एक औरत मिल रहे हैं या कुछ मर्द कुछ औरतें मिल रहे हैं और उन अगर यही नीयत है कि आपने मिलना है अल्लाह की रजा के लिए फॉर द सेक ऑफ अल्लाह तो आपका गोल सही होगा ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आप एक दूसरे को लव करेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि आप दोनों अल्लाह को राजी करने के लिए लव और रिस्पेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को ठीक है ये बात समझ में आ गई एक दूसरे से लव नहीं कर रहे आप अल्लाह की रजा के लिए एक दूसरे से लव एंड रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो चूंकि एमएसए वाले एक मिशन में इकट्ठे होते हैं वो स्ट्रगल इकट्ठे कर रहे होते हैं तो उनको मैंने यही कहा कि आप चूंकि स्ट्रगल कर रहे हो अल्लाह की राह में एमएसए में हो मुस्लिम स्टूडेंट्स एसोसिएशन में हो तो आप लोगों के लिए तो ये जरूरी है क्योंकि आप सेम आपका स्ट्रगल है सेम आपकी कोशिश है सेम आपका गोल है यही गोल आपको यूनाइट कर रही है इसीलिए आप ए में है तो आप तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे ही करेंगे एक दूसरे की इज्जत करेंगे ही करेंगे और ये लव और ये रिस्पेक्ट जो है वो आप लोगों का चूंकि अल्लाह की रजा के लिए इट हैज टू बी प्योर इट हैज़ टू बी सिंसियर ये मुखलिस आपका एक दूसरे से प्यार भी होगा और ये सिंसियर भी होगा ठीक है ना मतलब ये सिंसियरिटी इसमें होगी और इसमें प्योरिटी होगी और इसमें कोई भी वो चीज नहीं होगी जो आप कहते हैं कि इसको इससे लव um, है यानी कि इनफेचुएशन आप कह लें उसे या, या आप डिजायर कह लें कोई ख्वाहिश है नफ्स की कोई ख्वाहिश है या कोई फिजिकल अट्रैक्शन है ये मैंने उन लोगों को बताया कि फिजिकल अट्रैक्शन जो है वो आपको इस वक्त अगर आप मिल रहे हैं अल्लाह की रजा के लिए मिल रहे हैं तो एक मर्द और एक औरत को उसको अपने पास से हटा लेना है तो जब आप एक दूसरे से मुहब्बत करेंगे और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे मर्द औरत और, उसको क्या कहते हैं फॉर द सेक ऑफ अल्लाह उसको कहते हैं अखूवा अरबिक में अखुआ कहते हैं उर्दू में अखुवत कहते हैं यानी जो भाईचारा जो अल्लाह ताला ने कायम किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि सला कायम किया था जब वो मदीना पहुंचे थे और इस लव को इस रिस्पेक्ट को जो एक दूसरे से है आपस में दो डिफरेंट सेक्सेस के उसको अल्लाह ताला डिस्क्राइब करते हैं अल्लाह ताला, ताला उसको बयान करते हैं सूरह तौबा में सूरह नंबर नाइन आया नंबर सेवेंटी वन वलमुख मीनूना वलमुख मिना तब्बाद औिया उब्बा सबसे पहले तो आप इसी को देख लें कि जो बिलीविंग वेमेन है और जो बिलीविंग मैन है मैन और मकमिनाथ वेमेन बादलिया उद वो एक दूसरे के लिए क्या है एलाइज है औलिया औलिया का क्या मतलब है एलाइज एलाइज कहते हैं इसको हम हेल्पर भी कहते हैं सपोर्टर भी कहते हैं वली के वली का है ना जमा तो वली है उसका मतलब हेल्पर भी है सपोर्टर भी है गार्डियंस भी है फ्रेंड्स भी है प्रोटेक्टर्स भी है जो आप इसको कह ले एक दूसरे के साथी हैं और उसके बाद फिर आगे यही आयत कंटिन्यू होती है कि वह अः यह अमरुना बिल मारूफ है आपको अभी जरूरत नहीं है इस वक्त सिर्फ आपको इतना बता देती हूँ ये कुरान आप पढ़ लीजिएगा लेकिन और आया नंबर भी आपको बता दिया सूर्य नंबर नाइन आया नंबर सेवनटी वन लेकिन असल में क्या है बात यही है कि जब हम एक दूसरे के साथ मिलके अल्लाह की रजा के लिए किसी चीज के लिए कोशिश कर रहे हैं हम सब एक दूसरे के अवलिया हैं तो अल्लाह ताला ये कहते हैं हमारे दिमागों में तो यही ना कि औलिया अल्लाह वही है जो कोई सेंट्स सेंट। हैं तो अब अल्लाह ने खुद ही बता दिया कि वो कौन से लोग हैं जो औलिया है हर मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए एक वली है तो अल्लाह और क्यों है वो आगे अल्लाह ने बता दिया नमाज करते हैं ये करते हैं वो करते हैं तो अल्लाह तला चाहते हैं कि हम जो बिलीविंग मैन और वेमेन है वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें एक दूसरे से मोहब्बत करें सही वाली मोहब्बत लेकिन इसका ये मतलब नहीं हो गया कि जब मर्द औरत मिले तो हम कहें कि अल्लाह ने कहा एक दूसरे से मोहब्बत करो और फ्री फॉर ऑल हो जाए फ्रेंड के जिम्न में जिस तरह यहाँ पर लोग वेस्ट में फ्रेंड कहते हैं फ्रेंड में हर कुछ आ जाता है वो फ्रेंड भी हो गया और वो बॉयफ्रेंड भी हो गया और वो गर्लफ्रेंड भी हो गई वो सब कुछ हो गया ठीक है ना तो वो चीजें नहीं ये वो चीजें नहीं ये फ्रेंड जो है ये फॉर फिर से आपको रिपीट करती हूँ ये जो स्पिरिट है ये जो आपका जो जज्बा है ये ओनली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह है और ये उसी वक्त आप आप इसको अचीव कर सकते हैं इस टाइप की रिलेशनशिप को जबकि इस्लामिक कोड ऑफ जेंडर रिलेशन को फॉलो करें अब इस्लामिक कोड ऑफ जेंडर रिलेशन क्या है पहले आपको मैंने बताया था इस्लामिक ड्रेस कोड मैंने आपको बताया अब इसमें क्या है इसमें जनरल गाइडलाइंस हैं जो स्कॉलर्स ने बनाई है कुछ की है और वो कहते हैं जब मेल और फीमेल आपस में इंटरेक्ट करें तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए नंबर वन मेक योर इंटेंशन इंटरेक्शन पर्पजफुल एंड सिंसियर उसका मतलब जब आप एक दूसरे से मिल रहे हैं इंटरैक्ट कर रहे हैं ऐसे बिला मकसद ना करें बा मकसद करें और सिंसियरली करें खलूस के साथ करें अगर आपकी कोई मैंने उनको बताया जी सर आपकी कोई एमएसए की बोर्ड मीटिंग है आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वो आपका पर्पज बन जाएगा कि आज आज हम हम इस इस मीटिंग के लिए मिल रहे हैं इवेंट को प्लान uh, करने के लिए मिल रहे हैं तो ये आपका एक पर्पज होगा ऐसे ही नहीं है कि भाई एक आदमी खड़ा हुआ आप जाके बस उससे गपशप लगा लें एक औरत खड़ी आप उससे गपशप लगा लें मेरा कहने का मतलब है वो भी मना नहीं है आप किसी से बात करें लेकिन पर्पजफुल होना चाहिए ना जाके वैसे ही किसी की प्राइवेसी में आप दखल दे रहे हैं इसका यह भी मतलब नहीं है कि जब आप उस मीटिंग में हो आप मर्द औरत से मिले या आप अपनी जॉब पे हैं तो आप रोबोटिकली या मैकेनिकली वो आपसे सवाल पूछे यस और नो का जवाब दे नहीं ये नहीं है उसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपने एक स्क्रिप्ट लिख के ले गए वहां पर मीटिंग के लिए अपनी तो आप उस स्क्रिप्ट को इंश्योर करें कि एवरी सिंगल वर्ड जो उसमें है इट हैज टू हैव अ स्पेसिफिक पर्पस ये मैंने एम वालों को कहा तो उसमें यह है कि आप एक दूसरे से पोलाइट टॉक कर सकते हैं आप एक दूसरे से सिंपल बातें कर सकते हैं वो येस नो और एक स्क्रिप्ट पे बेस्ड सिर्फ नहीं होगा आप दस लोग बैठे एक मीटिंग में उस दस लोग मीटिंग में बैठे वे सिर्फ यस नो करेंगे और या बस वो पढ़ेंगे तो वो क्या होगा रोबोट्स हो जाएंगे ना एक दूसरे से आप बात कर सकते हैं एक दूसरे से अपने स्कूल की कॉलेज की बात कर सकते हैं जॉब की बात कर सकते हैं एक दूसरे की फैमिली के मुतालिक आप एक प्लेजेंट टॉक कर सकते हैं पोलाइट टॉक कर सकते हैं तो एक ब्लेड इंटरनेक्श इंटरेक्शन जो होगा यानी बरकत वाली इंटरेक्शन जो होगी वो इस उस वक्त ही हो सकती है जब आपकी वो इंटरेक्शन बा मकसद हो और खालिस हो अंदर से खालिश हो बाहर से बामकसद हो ठीक है ना तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं आपकी इंटेंशन को खालिश रखने के लिए ये मेरे टिप ये है कि आप अपने इंटेंशन को बार बार चेक करें कि मैं इस मीटिंग में इस वक्त क्यों बैठी हूं मैं इस बंदे से क्यों बात कर रही हूँ आप अपनी इंटेंशन को रिन्यू करते रहें और अगर आपको जरा भी लगता है कि कोई भी गलती हो रही है मुझसे मेरे दिल में कोई और ख्याल आ रहे हैं तो आप उसको रिन्यू कर लें अपनी इंटेंशन को दोबारा से उस मकसद के बराबर ले आए ठीक है ना इसकी वजह से आप एक अ, अपनी जो फाउंडेशन रख सकते हैं अपनी सिंसेरिटी पे रख सकेंगे ठीक है नंबर टू बी प्रोफेशनल यानी कि आप अ, क्या बोलेंगे उर्दू में पेशा रवैया अख्तियार करें अपनी इंटरेक्शंस में हमारी इंटरैक्शन जो हैं देखें अल्लाह की मखलूक के साथ हमारी जो इंटरेक्शन है वो एक रिफ्लेक्शन है वो एक अक्स है कि हमारा इंटरेक्शन अल्लाह के पास अल्लाह के साथ कैसा है खालिक के साथ कैसा है जो हमारा खालिक के साथ इंटरेक्शन है वो ये बताना जो हमारा मखलूक के साथ इंटरेक्शन है वो बताता है कि हमारा खालिक के साथ क्या क्या इंटरेक्शन है ठीक है ना तो इसलिए जब हम किसी के साथ बात करते हैं किसी भी मर्द के साथ बात करते हैं इस वक्त चूंकि हम सब औरतें हैं मैं बार बार मर्द और औरत कहने के बदले मैं आपको बस और उस वक्त तो एम एस ए था मर्द भी थे औरतें भी थी लेकिन मैं आपको अब इस तरह बोलती हूँ कि जब आप किसी के साथ भी काम करें किसी मर्द के साथ आपका उठना बैठना उनके साथ कोई इंटरेक्शन हो रहा तो आप उसी तरह से करें जिस तरह अल्लाह ताला की रजा है अल्लाह ताला की मंजूरी है यानी इट हैज़ टू बी विद द अप्रूवल ऑफ अल्लाह ठीक है अल्लाह की अप्रूवल से होना चाहिए तो चूंकि अल्लाह सुबहाना ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे की इज्जत करें और एक दूसरे को लव करें तो हमारा वो लव वो रिस्पेक्ट जो है वो होना चाहिए वो गायब नहीं होना चाहिए लेकिन वो बहुत बेहतरीन तरीके से होना चाहिए एक नोबल तरीके से होना चाहिए मज़ेस तरीके से होना चाहिए एक दूसरे के लिए वो तरीका बेहतरीन मैनर्स के साथ होना चाहिए यानी बेहतरीन अखलाक के साथ होना चाहिए समझ गए जिसके साथ भी बात करें मर्द से बात करें औरतों से बात करें

ऐसे करके तो, और ना तो इनपोलाइट होना है ना तो डिसरिस्पेक्टफुल होना है ना इंटीमेडेटिंग होना ये भी नहीं कि, कि कोई बंदा आपसे मिलने के लिए अब डर जाए नहीं भाई इससे तो मुझे बात ही नहीं करना है कॉलीग है आपका आपके साथ है या एम ए में है या जो भी है स्कूल में कॉलेज में यूनिवर्सिटी में ऐसे भी नहीं भाई इससे तो मैं बात नहीं करती हूँ ये तो बहुत ही डरावनी है ये तो बदतमीज है ये नहीं होना चाहिए हम मुसलमान हैं अगर टिपिकली अगर मेरी आदत है कि मैं हंसी मजाक करूं आपको पता है मेरी आदत है हंसी मजाक की तो फिर मुझे रेडिकली अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने की जरूरत नहीं है कि लोग मेरे सामने हंसने से भी डर जाएं ठीक है ना ये याद रखें आप तो अगेन मैंने जिस तरह कहा था जस्ट बी नॉर्मल अब मैं आपको ये कहना चाहूं जस्ट बी योर सेल्फ यानी कि आप एक प्रोफेशनल और एक महजब तरीके से कर्टियस तरीके से आपने जो कहना है वो आप कहें तीसरी चीज तीसरी चीज आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी अभी लिबास में कि और आप ड्रेस करें मतलब आपके कपड़ों में शो नहीं हो ग्लैमर नहीं हो तो दोनों के लिए है ये मर्द के लिए भी औरत के लिए Brothers and sisters, दोनों को कहा मैंने कि आप दोनों जो है इसको ऑब्जर्व करें ट्राई करें कि इस्लामिक ड्रेस कोड को ऑब्जर्व करें अब जाहिर इस्लामिक ड्रेस कोड हम पिछली दफा पढ़ चुके हैं तो मैं उसमें रिपीट नहीं करूंगी लेकिन उनको जो मैंने कहा सिंपली उसका खुलासा ये है कि अगर Uh, आपस में MSA की मीटिंग चल रही है या कोई भी एक मीटिंग चल रही है आपको इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसमें ये ना हो कि मर जो है बगैर शर्ट के आ रहा है ये एक सुपर टाइट शर्ट पहना हुआ है या स्किनी पहनी हुई है ये मैंने उनको कहा और सिस्टर जो है जो लड़कियां हैं जो एमएसए की उनको चाहिए कि अपने पूरे बॉडीज को कवर रखें एक्सेप्ट देर हैंड्स एंड फेस उनके कपड़े लूज होने चाहिए ओपेक होने चाहिए और ऐसे नहीं होने चाहिए भड़कदार कि वो अटेंशन कैच करें और इसमें मैंने लड़कियों के लिए स्पेशली एक मैंने उनसे कहा कि सिस्टर्स के लिए मैम आई स्पेशल एक वर्ड ऑफ एडवाइस कुछ वर्ड्स ऑफ एडवाइस आप लोगों के लिए है क्योंकि ये जरूरी था कि जब ऐसी मीटिंग में है उनको थोड़ा हिजाब का भी उनको बोलना चाहिए वो पहनती है ए वाली तो पहनती पहनती है लेकिन उनको थोड़ा अंडरस्टैंड करना है कि मैंने उनको बताया कि आपको ये समझना चाहिए कि हिजाब जो है वो आपकी सब ब्यूटी को हटाने के लिए नहीं है कि आप बदसूरत लगें Rather, वो इसलिए होता है कि कि वो आपको डिफाइन करें कि आपकी ब्यूटी क्या है जब आप जब आप आप पहनती पहनती हैं हैं कपड़े है, तो वो आपकी किस तरह से डिफाइन होती है वो आपके कैरेक्टर को डिफाइन करती है वो आपके कैरेक्टर को डिफाइन करती है कि आपका कैरेक्टर क्या है आपका कैरेक्टर वो है आपका किरदार है आपके अमाल वो है कि आप अल्लाह को राजी करना चाह रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है आप किसी और को राजी करना चाह रहे हैं किसी और के सामने दिखावा करना चाह रहे हैं या अल्लाह को राजी करना चाह रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप प्रॉपर कपड़ों में होंगे इस्लामिक ड्रेस कोड में होंगी आप लोग औरतों को मैंने लड़कियों को कहा इसका मतलब ये कि आप अल्लाह की विल को सबमिट कर रहे हैं अल्लाह का जो हुक्म है उस पर आप सरे तस्लीम हम कर रही हैं इसका ये भी मतलब है कि आप अल्लाह को अल्लाह का जो तरीका है उस को आप ट्रस्ट कर रही हैं अगर अल्लाह ने कहा है कि ये कपड़े पहनो तो आप अल्लाह पे ट्रस्ट कर रही हैं और आप ऐसे कपड़े पहन रही हैं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर हमें जरा शो ऑफ करने का शौक होता है हमारी टेंडेंसी है कि हम जरा शो करें हम जरा हमारी ब्यूटी की तारीफ हो तो उनको ये भी हेल्प हो जाता है कि उनके वो जो इंटेंशंस है उनकी जो टेंडेंसी है उसको प्योरीफिकेशन मिल जाती वो प्योरीफाई हो जाते हैं वो पाक हो जाते हैं क्योंकि उनको फिर दिमाग में ये आता है कि ओहो मैं किस लिए कर रही हूँ लोगों को प्लीज करने के लिए ये आ, मेरी खूबसूरती अल्लाह ने दी है तो मैं क्या कर रही हूँ अल्लाह को प्लीज करने की कोशिश कर रही हूँ ये जिंदगी अल्लाह ने दी है सब कुछ अल्लाह ने दिया है तो कुछ लोगों के लिए होता है एक रिमाइंडर होता है एक रिमाइंडर होता है फिजिकल समझने के कॉन्स्टेंट रिमाइंडर होता है कि अगर वो अच्छे इस तरह के कपड़े पहन रही हैं जो कि इस्लामिक ड्रेस कोड है कि आपके जो आपका जो गोल है आपकी लाइफ में जो है वो अल्लाह को राजी करना है एक रिमाइंडर है और कुछ लोगों के लिए कि भाई मैं क्यों शो मारूं मैं क्यों ये करूं खासकर जो कॉन्वर्ट्स होती है ना आप उनको देखें जो न्यू मुस्लिम्स होते हैं बहुत सारी लड़कियों ने अपना एक्सपीरियंस किस तरह बताया कोई कहता है हमें तो लिबरेशन मिली हमें तो आजादी मिल गई है हमें लोग मर्द घूर घूर के देखते थे अभी हमें लगता है हम एक फोर्ट्रेस में आ गए जब हम ऐसे कपड़े पहनते हैं हिजाबी जब हम ऐसे कपड़े पहनते हैं कि हमारा जिसम नहीं दिख रहा है तो क्या होता है ये एक अल्लाह की तरफ से डिवाइन गिफ्ट है दे हैव डिस्क्राइब्ड जो यहाँ कॉन्वर्ट्स हैं वो कहते हैं इट्स अ डिवाइन गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह के अल्लाह ने हमें ये एक फोर्ट दिया एक किला दिया जिसमें हम अपने आप को छुपा सकते हैं हम अपना कैरेक्टर बता सकते हैं लोगों को हम उनसे बात कर सकते हैं हम उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हम दीन की राह पे चल सकते हैं लेकिन हम लिबरेट होके जा रहे हैं हम किसी के गुलाम नहीं है ये बहुत बड़ी बात है मेरे कनाडा का भी एक मिसाल थी कि वो आ, मिनी स्कर्ट्स पहनने वाली थी एक एक और थी बेले डांसर थी बेली बेली डांसर जो थी वो थी और जब वो मुसलमान हुई मैं तो हैरान हो गई कि वो किस तरह से ऊपर से नीचे फुल अबाया अभाप सब कुछ पहन के वो मेरे पास जब आई पहली दफा तो मैं तो उसको देख

बैले बैले करती थी उसको भी मैंने देखा बैले वाली थी बैली वाली थी और एक जो थी वो कुछ डांसर नहीं थी लेकिन वो बस कहती मैं बस मिनीज पहनती थी तो ये मैं तीन लोगों की बात कर रही हूँ तीन अलग अलग लोगों की तो वो कहते थे हम तो लिबरेट हो गए और वो अब अल्हमदल्ला इतने अच्छे मुसलमान हो गए कुछ अ, लोग कहते हैं कॉन्वर्ट्स वो कहते हैं जो रिवर्स uh, कॉन्वर्ट्स जो भी आप कह लें न्यू मुस्लिम्स वो कहते हैं कि हमें इस तरह पता चलता है कि हमारी स्पिरिचुअल वैल्यू क्या है हमारी इंटेलेक्चुअल वैल्यू क्या है यानी रूहानी और अकली हमारा सेंटर क्या है हमारा महवर क्या है हमारा फोकस क्या है और वो कहते हैं कि इस तरह हमें ये लगता है कि हम इस हिजाब की इज्जत करें हम इस हिजाब को सेलिब्रेट करें कि हमारे लिए इतनी बड़ी चीज़ है ये आप ये कंपेयर कर लेना वो अपने सेलिब्रेट करना चाहिए रहे हैं और हम इसको एक बोझ समझ के उतारना चाह रहे हैं वो कहते हैं कि हमारा मोस्ट सेक्रेट पार्ट जो है इस दुनिया में जो हम कहते हैं जो हमारे जिसम में उसको भी हम कवर कर सक रहे हैं उसको हम सेलिब्रेट भी कर सक रहे हैं और हमें दुनिया में लोगों के साथ डील करना भी आ रहा है तो आप लोगों को भी ये समझ लें कि हम भी हमारी अपनी मुझे और आपको कि ये हमारे हमारे लिए भी एक हमारे, हमारी जर्नी है हमारा एक सफर है हमारी पर्सनल स्ट्रगल है हमारी जाति कोशिश कह लें जाति काविश कह लें और हमारी एक डिफरेंट हर एक की डिफरेंट एबिलिटी होगी टू परफॉर्म हमारी अलग अलग सलाहियतें होंगी टू परफॉर्म कि हम किस तरह से अपने जिसम को कवर रख सकते हैं कुछ लोगों को ज्यादा एफर्ट चाहिए ज्यादा टाइम की जरूरत होगी और वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेंगे पहले एक चीज स्टार्ट करेंगे वो भी मुझे कनाडा में याद है किसी को मैं एक दफा दर्श देने गई थी किसी के घर पे तो उसने मुझे कहा कि पहले मैं इतनी आस्तीने पहनती थी मैंने आस्ते आस्ते उसको इतना कर लिया फिर आस्ते आस्ते फुल आस्तीन कर ली फिर मैं मतलब उसने आस्ते आस्ते ग्रेजुअली करके उस ड्रेस में ग्रो करके माशाल्लाह वो कंप्लीट उसने अपना ड्रेस कोड अल्लाह वाला जो अल्लाह का हुक्म है उसको इख्तियार कर लिया अल्लाह ताला आप याद रखें आसान करेगा जो भी कोशिश करेगा अल्लाह ताला आसान करेगा जो थोड़ी चल के आएगा अल्लाह दौड़ के उसकी तरफ आएगा तो याद रखें कि जो अभी थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करें और जो

तो दोनों के ऊपर ये हुक्म है अल्लाह ताला ने बोथ मेन एंड दोनों को कहा कि अपनी नजरों को नीची रखें जब आप ऑपोजिट सेक्स से से बात कर रहे हो इस इस से, इस अहकाम की की वजह वजह हुक्म से एक कॉमन प्रैक्टिस बन जाता है मुसलमानों का कि जब हम किसी एक्टिविस्ट सिचुएशन में है तो हम एक दूसरे को देखना अवॉइड कर रहे होते हैं हम देख भी नहीं रहते हम नीचे देख के बात कर रहे थे इधर देख के बात उधर कर रहे होते हैं अवॉइड कर रहे होते हैं लेकिन वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह आप लोग कह रही थी कि ये बात यूजली इसको मायूब समझा जाता है बदगुमानी भी तस्वर तो किया जाता है लोग डिस्ट्रस्टफुल हो जाते हैं ऑकवर्ड भी उनको फील होता है कि क्या कर रही है हम इससे बात कर रहे हैं और ये आई कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे हैं इसीलिए इन जनरल बेस्ट वे ये होगा कि जिस तरह हम भी कह रही थी कि वो कहती हैं कि मुझे पता है कि हमें ये करना चाहिए कि हम डायरेक्टली स्टेयर ना करें किसी की आंखों में और कभी इधर देखें कभी उधर देखें, देखें सिंपली कभी नीचे कर लें कभी इधर कभी उधर थोड़ी देर के लिए देख लें वरना आपको बताती हूँ ये जरूरी नहीं है इट इज अलाउड इट इज अलाउड दोबारा कह रही हूं कि अगर आप किसी से बात कर रही हैं तो आप उसे जब डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन कर रही हैं वो कॉन्वर्सेशन लस्ट वाली नहीं है वो कॉन्वर्सेशन किसी आ, आशिकी वाली नहीं है जो भी आप कह लें तो इस सिचुएशन में आप सिंपल बात कर रही हैं किसी से तो वो हराम नहीं है कि आप उससे बात करते हुए उसकी तरफ देखें जो हराम है वो ये कि आप किसी को स्टेयर कर रही हैं किसी मर्द को देखे चली जा रही क्योंकि आप या तो मेडली इन लव हो गई हैं लव एट फर्स्ट साइट हो गया है और आप अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं सक रही हैं समझ में आ गई बात, कि आप उसको देखे चली जा रही है, एक दफा you know क्लास में भी ये कहा था क्योंकि कुछ लोग ये इंसिस्ट कर रहे थे शेरिया की क्लास में कैनेडा में वहां पर एक स्क्रीन लगा दें वो कहते हैं टीचर को कहते हैं आप जब बात कर रहे होते हैं हम, स, हम तो पीछे बैठी हुई है हमारे क्लास वाले हमको नहीं देख सकते लेकिन आप तो हमें देख सकते हैं ना उन्होंने स्क्रीन लगा दिया और फिर उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि ये एक एकेडमिक एनवायरनमेंट है हम लोग इस्लाम की बातें कर रहे हैं और सब यहाँ पर मेचोड़ लोग हैं और आप ये देखें कि इस तरह मैं आपको देखूंगा तो मैं आपके साथ कोई जिना तो नहीं कर सकता हूं ना उन्होंने बड़े क्लियरली उन्होंने कहा कि ये आंखों का जिना नहीं कहलाता है आंखों का जिना वो है कि जो चीज आपको मना है उसको आप देख रही है जो चीज अपना कोई चला जा रहा है उसको देख रही है मतलब दूसरी बात भी है ना कि देखें अगर आपने सही कपड़े पहने हुए हैं और मर्द ने भी सही कपड़े पहने हुए तो आप उनके जिसम को तो नहीं देखेंगी आप उनको कहाँ देखेंगे अगर आप उनको चेहरे पे देखेंगी बात करते वक्त तो आप सिर्फ उससे बात करते वक्त देख लेंगे तो आपको कोई हर्ज नहीं है उससे बात करने में कभी भी आपको कोई मिले तो ओके लेकिन इसको अब खुली छुट्टी नहीं लेना ना कि भाई सरीन ने कहा तो हम जिसको मर्जी देख लें जैसे देख लें जिस हालत में देख लें नहीं आपकी और आपकी और उसकी और उसकी और अगर वो प्रॉपर और नहीं है अगर आप किसी शादी की दावत पर जा रहे हैं मान लो से फिर रहे हैं तो आप उनको मर्द जो है उन औरतों को ना देखें अपनी नजरें नीचे कर लें क्योंकि उनको गलत चीजें दिख रही हैं अगर आप कहीं और जा रहे हैं और वहां पर आपने देखा कि मर्द आप बीच पे गए मर्द जो है इस तरह फिर रहे हैं तो ठीक है और उनकी कबड़ भी होगी लेकिन फिर भी फिर आप उनको ना देखें अब इस वक्त हम आई कॉन्टेक्ट की बात कर रहे थे अपनी नजरों को नीचे रखें और आई कांटेक्ट की जरूरत है तो आई कांटेक्ट भी कर लें कोई बात नहीं ठीक है तो पांचवा पॉइंट यह था कि मैंने उनसे कहा कि आप अपनी मीटिंग्स जब रखें एमएसए की मीटिंग्स तो उनको पब्लिक स्पेस में रखें पब्लिक स्पेस में रखें क्योंकि अगर आप समझे कि दो लोग मिल रहे हैं समझे जो भी प्रेसिडेंट है वाइस प्रेसिडेंट जो लोग मिल रहे हैं तो क्योंकि अगर आप सब लोग हैं फिर ठीक है बंद है दरवाजा है कोई बात नहीं हॉल है, है जो भी आप उसमें रख रहे हैं लेकिन अगर आप दो लोग हैं तो दो लोग जब आप मिल रहे हैं तो नबी ने भी मना फरमाया है कि एक मर्द एक औरत अकेले ना बैठे बंद जगह पर इवन अगर वह कुरान पढ़ा रही हो या कुरान पढ़ा रहा हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब दो एक मर्द एक औरत अगर अकेले होते हैं तो तीसरा कौन होता है शैतान तीसरा शैतान होता है तो ये याद रखें अगर आप दो लोगों की मीटिंग है तो बंद में ना हो मतलब वो जगह लॉक्ड ना हो रूम बंद ना हो ओपेक ना हो खिड़कियां मिड़कियां पूरी हैं और आप बैठे में तो भी ठीक है दूसरी चीज ये है कि अगर बंद नहीं है बाहर बैठे में आप लोग बरामदे में बैठे हैं या कहीं बाहर पार्क में बैठे तो भी आइसोलेटेड नहीं है टोटली totally आइसोलेटेड नहीं क्योंकि हम तो पार्क में मिले थे बंद कमरे में नहीं मिले थे ये कोई बहाना नहीं ये सब मैंने एम वालों को कहा ये जितनी भी बातें सब मैंने उनको कही है इसीलिए आप अपनी मीटिंग्स कहां पर रखें अगर दो लोग मिल रहे हैं तो आप किसी कैफेटेरिया में रखें या किसी लाइब्रेरी में रखें जहां और लोग भी बैठे होंगे और टाइम भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए सिर्फ जगह नहीं टाइम भी अप्रोप्रिएट नहीं कि आप रात को मीटिंग्स रख रहे हैं इवन अगर आप पब्लिक स्पेस में हैं और अगर आप एक औरत और एक मर्द भी हैं तो भी बेहतर ये होगा कि आप एक थर्ड पर्सन को उसमें इंक्लूड कर लें इसमें यू कैन मेक श्योर कि आप तीन लोग हैं और आपने नबी की सुन्नत पर अमल किया है आपका जो एनवायरमेंट है वो भी इंशाल्लाह प्रोफेशनल होगा इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अगर आप दो लोग मीटिंग कर रहे हैं एक मर्द एक औरत और, और पब्लिक स्पेस में कर रहे हैं तो आप कोई इंडिसेंट चीज़ करके बैठ जाएंगी कोई फोहाशी का काम करके बैठ जाएंगी कोई अपनी डिजायर पूरी करने के लिए बैठ जाएंगी सिर्फ ये कि नबी सलाम की सुन्नत पे अमल हो जाएगा और आपके दिल भी प्रोटेक्टेड रहेंगे योर हार्ट विल भी प्रोटेक्टेड और आपके वर्ड्स भी आपके कॉल आपके एक्शंस सब चीज ऐसा ना हो कि बाद में आपको लगे कि ये तो मैंने क्या कर दिया क्यों ऐसा के बाद अफसोस number six, number six में अफसोस ना हो। नंबर सिक्स नंबर सिक्स आप सबको मालूम है डू नॉट टच ईच अदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फीमेल कंपेनियंस के साथ सहाबियात अपनी जो महरम जिनके हैं उनके अलावा उन्होंने किसी के साथ हाथ नहीं मिलाया ओके okay? भी एक फहमी लोगों में फैल जाती है और वो कहते हैं नो नो द प्रोफेसर ने लोगों से प्लेज लिया ये किया जब उन्होंने प्लेज ऑफ अकबा लिया तभी भी उन्होंने प्लेज लिया लेकिन हाथ उन्होंने औरत के हाथ पे नहीं रखा इससे ये पता है था एट द वेरी लीस्ट कि आप एक दूसरे को टच बिल्कुल नहीं करें आप एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएं ऑपोजिट जेंडर के साथ इसको जनरली ये कि अगर वो अगर वो बहुत सख्त मतलब ये कि कि एक और भी हदीस थी कि वो ऐसा है जैसे कि आपने लोहा लोहे से किसी को मारा है या आप लोहे से पता नहीं कोई चोट पहुंची वट एवर मुझे अभी याद नहीं है लेकिन इसको एनकरेज नहीं करना चाहिए और जब हाथ मिलाना एनकरेज नहीं करना है तो फिर ये जो हाई फाइव्स करते हैं या हग कर लेते हैं एक दूसरे को या कोई भी फिजिकल इंटरेक्शन कर लेते हैं महर नॉन महरम्स के साथ वो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए इसमें सिर्फ एम के लोग नहीं है आप लोग भी याद रखें कजनस भी आपके महरम नहीं है नॉर्मली क्या होता है या मैंने देखा है पाकिस्तान में देखा है कि कजन्स के साथ अपने रिश्तेदारों में भी देखा है कजन्स को भी हक करते हैं और ससुराल में भी जो महरम नहीं है उनको भी हक करते हैं और खासकर फ्रेंड्स को भी हक करते हैं और कजन्स को भी तो ये चीज बहुत याद रखें ना कजन आपका महरम है ना फ्रेंड आपका महरम है आपके महरमों की लिस्ट आपको मालूम है उनके अलावा किसी को हग नहीं करना है किसी से हाथ नहीं मिलाना है नंबर सेवन आप एक दूसरे की कि जो पर्सनल स्पेस है उनकी जो प्राइवेसी है और उनकी जो लेवल ऑफ कंफर्ट है उसको भी रिस्पेक्ट करें यानी कि आप देखें ये मैंने एम एस ए वालों से कहा कि आप जब मुसलमानों से डील करते हैं तो आप डिफरेंट बैकग्राउंड के मुसलमानों से डील करें कॉलेज में यूनिवर्सिटी में उनके पास कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं हर कल्चर के लोग आए हुए हैं तो ये याद रखें कि अपने कल्चर को अगर मैं पाकिस्तानी हूं तो पाकिस्तानी कल्चर को दूसरों पे मैं इंपोज ना करूं कि भाई मैंने शलवार कमीज पहनी और शलवार कमीज द बेस्ट आपने जो पहना है वो गलत गलत है कनाडा में हुआ था कि एक जगह पे बच्चे आ रहे थे उन्होंने कहा कि इमाम नहीं थे सॉरी वो कुरान पढ़ाते थे, थे सिर्फ तो उन्होंने कहा कि आप लोग इस्लामिक ड्रेस में आए वो इस्लामिक ड्रेस में ही थे उन्होंने कपड़े ढीले पहने थे लेकिन उनको कहा नहीं शलवार कमीज में आए अब आप किसी को शलवार कमीज पे क्यों फोर्स कर रहे हैं अब कोई अरब है वो शलवार कमीज क्यों पहनेगा कोई चाइनीज मुसलमान है कोई जापनीज मुसलमान है तो वो इंडोनेशियन है मलेशियन है वो क्यों पहनेगा कोई कन्वर्ट हुआ है तो वो क्यों खाम से शलवार कमीज पहनेगा इसी तरह उनके लिए अगर कंफर्टेबल किसी चीज में आपको लगता है दे आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस जैसे कि हमारे कल्चर में नॉर्मली ये होता है कुछ कल्चर्स में कि मर्द औरत एक दूसरे को सलाम नहीं करते हैं ठीक है ना मैं तो करती हूँ जो मर्द होते हैं उनको भी करती हूँ और मर्दों के सलाम का जवाब भी देती हूँ क्योंकि वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में स्कॉलर्स ये कहते हैं कि मेन विमेन स्प्रेड करें सलाम को तो वहां पर क्या मैं आपको बता रही हूँ कनाडा में ऐसा होता था कि जब हम तरावीह के लिए जाते थे तो एक शेख हैं वो कहीं से मिडल ईस्ट से आया करते थे शेख सईद बहुत अच्छी उनकी किरत होती थी हम एवरी डे जाते थे उनकी तरावी अटेंड करने और उनका तहज्द अटेंड करने माशा ही सो गुड तो वो ज, आते थे और वो सीढ़ी पर से ऐसे जब हम उतर नहीं हों या हम चढ़ रहे हो या हम गाड़ी में से निकल के अंदर जा रहे हैं मस्जिद में वो हैरान होते थे उन्होंने खुतबे में भी कह दिया उन्होंने ऐलान कर दिया पल पे उन्होंने कहा कि यहाँ औरतें मर्द एक दूसरे को सलाम नहीं करते इसमें क्या बात है आप गुजर आपको शक्ल देखने की भी जरूरत नहीं है आप जा रही हैं आप सीढ़ी पर जा रही हैं इधर से कोई असलाकुम आप कह कहते कोई अपना सौदा खानी करना कर, असलाकुम वो जान के सलाम करते थे जब हमारे पास से गुजरते थे और वो देखते नहीं थे बस सलाम करते थे पता था कि कोई आ रही है तो सलाम करते थे तो एम ये हमारा गोल ये है कि अब हम लोग एक रिलीजियस माइनॉरिटी में हम रह रहे हैं यहां पर हम सलाम को स्प्रेड करें हम आपस में कम्युनिटी को स्ट्रांग करें कम्युनिटी को सपोर्ट करें तो एक एक कम्युनिटी को बिल्ड करें तो उसमें यह अगर हम एक दूसरे को सलाम करने की आदत होगी तो जब हम एम वालों को भी मिल रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी वालों को भी मिल रहे हैं तो हम एक दूसरे को सलाम करें मुसलमान मुसलमान को सलाम कर रहा है लेकिन ये भी याद रखें कि बहुत ही अच्छी बात है सलाम करना आप इनिशिएट भी कर रही हैं सलाम करना और जो अगर आपको कोई सलाम करता है तो आपके ऊपर फर्ज भी हो गया कि आप जवाब दें सलाम करना सुन्नत है लेकिन सलाम का जवाब देना फर्ज है तो जब आप सलाम कर रही हैं किसी को और बहुत जरूरी सुन्नत है क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है ठीक है ना तो सलाम करने के लिए एक दूसरे को सलाम करो तो जब आप एक दूसरे को सलाम कर रहे हैं तो रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर आप दूसरों को सलाम कर रहे हैं तो आप ये याद रखें कि अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा रीजन है आपके पास कोई वजह है जिसकी वजह से आप जो है अम्म सलाम नहीं कर रही हैं मतलब ऐसा ना लगे कि आप सलाम करें तो सामने वाला जो है वो ये समझे कि आप फ्लर्ट कर रही हैं ठीक है ना वो आप लाइन लगा रही हैं कुछ भी लाइन दे रही हैं लाइन जो भी कहते हैं वो कर रही हैं तो याद रखिए कि आप सलाम उस वक्त कीजिए लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला किसी गलत में होगा कोई गलत मतलब निकाल सकता है तो फिर आप ना करें इसी तरह अगर आपको पता है कि अगर कोई सलाम लेने में देने में कंफर्टेबल नहीं है समबडी ऐसे कल्चर से कोई आई है जो कि नीचे देख के गुजर रही है और सलाम नहीं करना चाह रही उनको आप ऑकवर्ड सिचुएशन ना डालें उनको आप ये ना करें मतलब तो मर्दों के लिए लेकिन औरतें भी अगर देख रहे हैं कि एक मर्द है वो इमाम है जो भी है वो गुजर रहे हैं और वो किसी खास जमात के हैं या जो भी हैं वेरी स्ट्रिक्ट हैं आपने उनको देखा कि वो ऐसे गुजर रहे हैं आप उनको जाकर जी असलामैकुम ये ना आप करें प्लीज तो नंबर एट नंबर एट क्या है मैनर uh, में स्पीक इन अ डिसेंट मैनर उसका मतलब क्या आपका जो बात करने का तरीका है इट शुड बी शाइस्ता महजब होना चाहिए डिसेंट होना चाहिए अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा है बहुत सारे कमांड्स ऐसे डाले हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि अपोजिट uh, जेंडर uh, के साथ किस तरह बात करना है उनमें से एक तो ये है सबसे पहले कि आपका जो कंटेंट है आपका जो मवाद है आपके बात करने का वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह 33 आया 70 यानी सूरह

फोहश कंटेंट नहीं जब आप किसी से बात करें यानी कोई ऐसे वर्ड्स आपके बातचीत में नहीं होनी चाहिए जिससे किसी के को कोई सजेस्टिव मीनिंग्स हो यानी गलत माने निकल सकते हो आपके अल्फाज क्लियर होने चाहिए और इसका यह भी मतलब है कि जब आप किसी ऑपोजिट जेंडर से बात कर रहे हैं एक औरत मर्द से बात कर रही है तो अपनी कॉन्वर्सेशन को इतना लंबा ना कर ले कि वो एंडलेस बन जाए कर कर रहे हैं बातें कर रहे हैं फिर हंसी फिर मजाक फिर जरूरत बिला जरूरत आप करते ही चले जा रहे हैं बातें तो ये याद रखें नंबर टू क्या है सरा एज़ाब में ही है सुरह नंबर थर्टी थ्री आया नंबर थर्टी टू ये खास कर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ्स के लिए था हमारी उमतलम के लिए था लेकिन उमहतलमिन के लिए जो चीज़े, काफी चीज़ें काफ़ी चीज़ें फ़र्ज थी वो हम सब के ऊपर फ़र्ज नहीं है याद रखिए लेकिन इससे हम एटिकेट सीखते हैं हम एक एटिकेट सीख लेते हैं या ना नबी लस्त का हद मिन यानि अल्लाह की ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों आप लोग दूसरी औरतों की तरह नहीं हो यानी आपके लिए स्पेशल ये कमांड है फला बिलकौल वो कह रहे हैं कि अगर आप आप जो है आप अल्लाह से अगर डरती हैं अल्लाह से तकवा रखती हैं तो फला तखदौना आप नरम ना हो जाए बिलकौल अपनी बातचीत में सॉफ्ट नहीं हो जाए अपनी स्पीच में फैतल लजीफी कल के जिसके हार्ट में कोई कल भी मरा के अगर किसी के दिल में कोई मर्ज है यानी कि वो अगर आपके आपको गलत मतलब ले लेता है उसके हार्ट में कोई डिजीज है तो वो उससे कोई गलत मतलब ले ले कोई होप कर ले। वो कोई, कोई ऐसा ले ले गलत कोई आपकी तरफ से इशारा ले ले तो अल्लाह तला कहते हैं वखुल ना कलम मरूफ़ा ये हमारे लिए जरूरी वक़ुल ना कलम मारूफा आप जब उनसे बात करें तो अप्रोप्रिएट स्पीच से बात करें और अपने Uh, इसका मतलब ये है कि जब आप किसी मर्द से बात कर रही हैं तो अपनी आवाज को डिलिबरेटली जान बुझ के सॉफ्ट नहीं कर लें लहका लहका के लचका लचका के जिस तरह भी कहते हैं आप लोग उस तरह से बात ना करें हाई प्लीज जरा इस तरह नहीं नॉर्मल बात करें तो नॉर्मल मैंने आपको क्या बताया जस्ट बी नॉर्मल जस्ट बी योर तो आपका टोन ऐसे ही होना चाहिए जैसे एक नॉर्मल टोन है मैं आपसे बात कर रही हूं आप मुझसे बात करें जो नॉर्मल टोन है मर्द से बात करते वक्त वो टोन एकदम से सॉफ्ट नहीं हो जाना चाहिए क्योंकि फिर वो क्या होता है इट्स फील्स इट्स साउंड्स सिडक्टिव ठीक है ना तो जिसके दिलों में अगर कोई डिजीज होगी जो आपको किसी गलत मतलब ले सकता है आपकी बातों का ऐसा ना हो कि उसका जो दिल है वो हिल जाए आपकी तरफ लस्ट से या डिजायर से तो आपका लहजा शुड बी स्ट्रेट आपका टोन जो है इट शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड और जानबूझ के एक और बात है कि आप हमेशा गिगल करते करते ना बात करें क्योंकि जब आप हंसी हाँ मजाक करने होंगे तो इट लो वॉइस आप बिल्कुल आज हल्की आवाज में बात करें उसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला सुन ना सके और वो अपने कान को ऐसा करे आपके नजदीक आए जी मुझे आवाज नहीं आ रही वो एक और बहाना हो जाएगा उसको नजदीक आने का तो आप ये हम्बली बात करें यानी मॉडेस्टली बात करें हल्की आवाज से बात करें तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह लुकमान में सूरह नंबर थर्टी वन आया नंबर नाइनटीन वक्सिद फी मशिका वगदुद मिन सौतिक इन अनकर अल अस्वाति लसौतुल हमीर उसका मतलब ये कि आप अपनी आवाज में मॉडरेट है वक्सिद अपने आवाज में आप मॉडरेट रहें इतना स्लो भी नहीं बोले और अपनी आवाज़ को लोअर करें वक़्त यानी लोअर करें जैसे हमने कहा अभी गद बसर है अब गद साउथ है आप उसको अपनी आवाज को लो करें चीख चीख के ना करें तो अल्लाह ताला फिर कहते हैं बेशक सबसे ज्यादा जो अल्लाह आवाज बुरी लगती है वो डोंकी की लगती है हमीर के अल्लाह का सबको ज्यादा बुरी लगती है वो चीख चीख कर रहा होता है गदे की तरह आवाज ना निकालें इसका मतलब ये है कि आप हम्बली बात करें मॉडेस्टली बात करें आप चीख चीख कर ना बोलें आप सख्ती से ना बोलें डू नॉट बी हार्श ये भी इसका मतलब नहीं कि आप सख्ती से बोलें इसका मतलब ये चीख चीख कर ना बोले लेकिन सख्ती से भी ना बोले और एरोगेंटली भी ना बात करें किसी के साथ जब बात करें तो तक भी नहीं होना चाहिए इस सब के लिए अगेन वन सेंटेंस जस्ट बी नॉर्मल जिस तरह मैं और आप बात करें इसी तरह आप उनके साथ भी बात करें

इस तरह की हरकतें जब माँ बाप कर लेते हैं और कोई कॉलेज का कोई फंक्शन हो उसमें मना कर देते हैं अगर तो कोई रीजन है वैलिड रीजन है उनकी बच्चियों से या उनके बच्चों से खासकर मैं लड़कियों के जिम्मे बात कर रही हूं, लड़के तो हर जगह जाते हैं माँ बाप जरा लड़कियों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं प्रोटेक्टिव होना ठीक है लेकिन ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना चाहिए इसकी वजह से क्या होता है लड़कियां जो है वो उनको गुस्सा आ जाता है फ्रस्ट्रेट हो जाती है और फिर वो क्या करती रिबेलियस हो करते हैं रिबेलियस भी हो जाते हैं और फिर वो इनकरेक्टली वो क्या करते हैं इस्लाम को ब्लेम करते हैं अब आप सोचें माँ बाप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से बच्चे जो हैं इस्लाम से दूर भाग रहे हैं और यह बहुत कॉमन है यहां पर जब माँ बाप बच्चों को नैक करते हैं ज्यादा ओवर रिस्ट्रिक्टिव हो जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं उनका गलत कॉन्सेप्ट हो जाता है इस्लाम के बारे में और इसकी वजह से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं उसकी वजह से बच्चे इस्लाम से दूर चले जाते हैं लेकिन इसके साथ साथ ये भी कि इस्लाम ये भी इंकरेज करता है कि बच्चों की अपनी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करो अपने बच्चों की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करो और अपने आप को ऐसी सिचुएशन में ना डालो जहाँ के सामने वाले कोई देख रहे हैं तो वो गलत मतलब ले लें सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी और ये एग्जैक्टली नबी ने हमें सिखाया है कि जब नबी वसल्लम एहतकाफ में थे और उनकी बीवी सफिया रदी अल्लाह अन्हा उनसे मिलने के लिए आई तो जब ये उनको दरवाजे तक वापस छोड़ने के लिए गए तो वहां पर क्या हुआ वहां पर वो ये लास्ट ऑफ रमदान में के दिन थे तो जब ये आए और मस्जिद के दरवाजे के पास आके हुए तो उन्होंने देखा कि दो अंसारी दो अनसार मर जो हैं, वो पास से गुजर रहे थे उन्होंने नबीला सलाम किया जब उन्होंने सलाम किया तो नबी ने उनको सलाम का जवाब दिया और कहा कि डू नॉट रन अवे अभी जाइए मत मैं बताना चाह रहा था कि ये मेरी बीवी सफिया बिनती हो वो दोनों बेचारे अनसार घबरा गए कहते हैं सुबहानल्ला उनको फील हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखिए शैतान जो है वो हर जगह पर होता है और वो इट एवरीवेयर इन ह्यूमन बॉडी इंसान के जिस्म में वो घुस जाता है as blood reaches in it. किस तरह जिस तरह तरह जिस जिस के एक खून हमारे जिस्म में हर जगह जा सकता है इसी तरह शैतान भी हमारे जिस्म के हर हिस्से में दाखिल हो सकता है तो मैं ये मुझे ये खौफ था कि शैतान कहीं आपके दिमागों में कोई गलत आपके जहन में बात ना डाल दे तो मैं क्लियर करना चाहता था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी क्लियर किया जबकि दो जहां के रसूल पता है कि वो बिल्कुल क्लियरली अपनी बीवी को छोड़ने आए हैं मस्जिद के सामने हैं एहतिकाफ कर रहे हैं और फिर भी रमजान है सब कुछ लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी क्लरिफिकेशन की तो अगर हमें भी केयरफुल होना चाहिए कि ऐसे कोई सस्पेक्ट सिचुएशन हो जिसमें आपकी रेपुटेशन हार्म हो सकती है आपने ये नहीं कहना है मुझे क्या परवाह है लोगों को कहने दे मेरा दिल साफ है नबी का दिल भी साफ था। लेकिन आपने क्लेरिफिकेशन करनी है और आपने लोगों के ऐसा मौका ही नहीं देना ऐसी सिचुएशन में नहीं पढ़ना है कि आप दो खड़े हुए हो और आप अकेले बातें कर रहे हो और किसी को कोई शक हो जाए आपके रेपुटेशन आपके नाम नामूज पे कोई धब्बा आ जाए तो सबको आप सबको बहुत केयरफुल रहना है खासकर ये मैंने एमएसए को कहा लेकिन आप लोगों को भी कह रही हूँ मुझे भी कह रही हूँ हम सबको क्योंकि हम सब इस्लाम के लिए इकट्ठे काम कर रहे हैं और उनको भी मैंने कहा आप लोग सब इस्लाम के लिए इकट्ठे काम कर रहे हैं आप लोगों के हार्ट्स आपके माइंड्स जो है वो फोकस्ड है किस चीज पे बहुत ऊंचे गोल्स हैं आपके एक गैर मुस्लिम मुल्क में रह के आप मुसलमानों के लिए सब कर रहे हैं आपको बैलेंस्ड अप्रोच रखना पड़ेगा अपनी स्पिरिट एंड लेटर ऑफ इस्लाम को फॉलो करने के लिए ये मेरा टॉक का पहला हिस्सा था मेंटेनिंग जेंडर रिलेशंस सेकेंड पार्ट जैसे मैंने बताया कि वो था उसमें कि अगर डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए आप पे कोई आजमाइशें आ जाए ड्यूरिंग योर एमएसएट इन योर अगर आपके पास आ रहा है तो आप अपने इस्लामिक वैल्यूज को किस तरह अपहोल्ड करेंगे किस तरह कायम रखेंगी सबसे पहले मैंने उसको ये बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू डिफिकल्ट टाइम्स आर पार्ट ऑफ अल्लाह लॉज इन दिस यूनिवर्स ये जो मुश्किलें आती हैं मुश्किलें आती हैं जो आजमाइशें आती हैं जो तकलीफें आती हैं मुसीबतें आती हैं ये सब अल्लाह के लॉज के तहत हैं इस पूरी कायनात में ठीक है ना इन द यूनिवर्स और ये पार्ट ऑफ टेस्ट हैं हमारी आजमाइश है हमारा टेस्ट है, है हमारा ट्रायल है जिससे हम गो थ्रू करते हैं और ज़रूरी नहीं है कि जब किसी पे कोई आजमाइश हो जरूरी नहीं है कि वो कुछ ईवल चीज हो जब आजमाइश आती है तो वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है हमें ये भी सोचना चाहिए हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला जब किसी को टेस्ट करते हैं तो वो उस बंदे की स्ट्रेंथ कितनी है उसके रिलीजन में मतलब दीन में हमारा कितना स्ट्रेंथ है हम कितने स्ट्रांग है उसके बाद अल्लाह ताला उनको टेस्ट कर टेस्ट करते हैं आजमाइश में डालते हैं नबियों रोग पे पे हम तो कुछ भी नहीं है हमारे टेस्ट तो उनके सामने कुछ भी नहीं है हम तो वैसे ही का नाकाम हो जाते हैं टेस्ट में हम तो वैसे ही फेल हो जाते हैं टेस्ट में आप नहीं बात कर सकते आपकी नहीं कर सकती जब कोई टेस्ट आता है तो ऐसे लगता है ये क्या हो गया ये कैसे हो गया मैं कैसे गुजरूंगी मैं तो फेल हो रही हूँ मैं कैसे पास होंगी इस टेस्ट में तो अल्लाह ताला हौसला दे हमको करेज दे हमको हिम्मत दे हमको सबर दे कि हम हर टेस्ट में कामयाब हो नाकामी से बचे और हर टेस्ट के बाद जो है क्या होता है कि एवरी टेस्ट से आप जब गुजरते हैं या तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस होती है यानी एक आपका एक आपको कुछ सीखने को मिलता है एक रिमाइंडर होता है अल्लाह की तरफ से एक रिमाइंडर है कि भाई आप इस दुनिया में हो तो आपको टेस्ट भी आएंगे तीसरी चीज क्या होती है प्योरिफिकेशन फ्रॉम सिंस हर दफा हम पे कोई अगर टेस्ट आता है कोई आजमाइश आती है तो उसके बाद क्या होता है हमारे गुना धुल जाते हैं हमारे रिएक्शन पे बेस्ड होके अगर हम सबर करते हैं शुक्र करते हैं टाइम लगता है हम हम बहुत वीक है अल्लाह ताला ने हमको वीक क्रिएट किया अल्लाह ताला कहते हैं खले इंसान खली इंसान इसान दाइफा तो हम लोगों को अल्लाह ताला ने कमज़ोर पैदा किया हम बहुत कमजोर होते हैं फिर आप ये देखें अल्लाह ताला, ताला हमारे लिए टेस्ट इसलिए कर रहे थे कि अल्लाह ताला, ताला देखें कि हम कितने साबिर है और कितने शाकिर हैं और कितने अपने दीन पे कायम है और या तो इन सब में से सारी चीजें हों तजर्बा भी हो रिमाइंडर भी हो प्योरीफिकेशन भी होता है अल्लाह ताला टेस्ट भी करती है सब चीज़ें हो और इन चीज़ों में से इन डिफिकल्ट टाइम्स में से निकलने के लिए फ्रॉम इमर्ज करने के लिए इसमें से बाहर आने के लिए हमारे लिए क्या होता है कि हम किस तरह होते हैं जब हम बाहर निकलते हैं हम जो भी हमारे सबर से शुक्र से एंड रिजल्ट क्या होता है वी बिकम क्लोजर टू अल्लाह अल्लाह से करीब हो जाते हैं वी बिकम स्ट्रांगर जब हम एक आजमाइश से गुजर जाते हैं तो हम स्ट्रांग हो जाते हैं और ये मैंने एम एस ए वालों को कहा है आप लोगों को मैं सिर्फ ये रिपीट कर रही हूँ मेरे लिए और आपके लिए ये लेसन है कि हम स्ट्रांग हो जाते हैं हम यूनाइटेड हो जाते हैं हम आपस में एमएसए वालों को भी कहा आपको और हमको भी कह रहे हैं हम यूनाइटेड हो जाते हैं हम ज्यादा स्किल्ड हो जाते हैं वी बिकम मोर टैलेंटेड हमें पता चल जाता है कैसे करना क्या करना और मोर गाइडेड हमें हिदायत भी ज्यादा मिल जाती है लेकिन हमको ये गाइडेंस ये स्किल ये एक्सपीरियंस ये स्ट्रेंथ और ये सब चीजें जो करेज़, ये जो हमको मिलती हैं, ये कैसे मिलती हैं? जब हमको तरीका आ जाए कि इन आजमाइशों में हमें किस तरह रिस्पॉन्ड करना है और उनका सवाल यही था सवाल यही था कि हम डिफिकल्ट टाइम्स में हम क्या करें तो मैंने उनको ये पूरी इंट्रोडक्शन भी दे दी कि डिफिकल्ट टाइम्स अल्लाह की तरफ होते हैं ये हमको हेल्प करते हैं ज़रूरी नहीं है कि ये ईवल है ये अच्छा हो सकता है और कभी कभी बहुत अच्छा होता है और पैगम्बरों को सबसे ज्यादा आजमाइश आई अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि नबी हमें अल्लाह कुरान में क्या फरमाते हैं सुर अलबाब सुरय नंबर थर्टी थ्री आया नंबर ट्वेंटी वन ये हम पढ़ चुके हैं अभी भी पढ़ चुके हैं रिसेंटली भी पढ़ चुके हैं कतान अल कम्फी रसूल अल्ला उस वत हसना लिमन का الإيمان يرجو الله واليوم 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 الآخرة وذكر وزك الله كثيرا. तो इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक नबी अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए एक बहुत अच्छे बेहतरीन एग्जांपल है रोल मॉडल है जिनको हम फॉलो करें और जो इस आखिरत पे यकीन रखता है और होप करता है कि अल्लाह से मिलेंगे तो उनको नबी वसल्लम के अहकाम अलैहि वसल्लम के तरीके पर नबी वसल्लम की एग्जांपल को फॉलो करना है तो इसमें एक हमको बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मिलता है एक कायदा मिलता है एक उल हमको मिल जाता है कि मुसलमान जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना बेस्ट रोल मॉडल समझे हम सबको मालूम है मेरी क्लास में कई दफा कह चुके हैं लेकिन मैंने एम एस ए वालों को ये कहा था और इसीलिए आप अपने बच्चों को भी ये जब सुनाएंगी तो उनके लिए भी एक मैसेज है कि वी शुड टेक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एज और बेस्ट रोल मॉडल नंबर टू वी मस्ट फॉलो हिम सिर्फ रोल मॉडल लेके उसको नहीं क्या वो oh, बहुत अच्छे हैं ये था उन्होंने ये किया कौल से फेल से कौल से दोनों से हमने उनको फॉलो करना है ताकि हमें दुनिया में भी कामयाबी मिले और आखिरत में भी मिले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्जाम्पल हमें दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए भी स्पेशल एग्जाम्पल्स दी कि जो लोग सब्र नहीं कर सकते हैं जो लोग शुक्र नहीं कर सकते हैं और जो लोग इमपेशन होते हैं जो लोग एंशियस होते हैं ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेशली देखें ये किस मौके पर कहा अल्लाह ताला ने मैंने आपको बताया सूरह एजाब में सूरह एजाब में क्या हो रहा था गस्वय खंदप. गस्वय खंदप में क्या हो गया था मुसलमान कितने पैनिक हो रहे थे कितने परेशान हो रहे थे ऑल शेकन, क्योंकि उस वक्त अब क्या होगा मुहासरा चल रहा है दस उनकी इतनी बड़ी फौज है हम थोड़े से लोग हैं हम यहाँ पर गिराव में तो इस आयत से हम देखते हैं और हम समझते हैं और हम इससे ये लेसन सीखते हैं कि नबी वसल्लम उन लोगों के लिए भी जो लोग अल्लाह से होप करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएंगे अल्लाह ताला जिस तरह गजा एहजाब में भी बगैर किसी जंग के मुसलमानों ने वो जंग जीत ली तो अगर ये हम याद रखेंगे जो इस आयत में तो इन ताला हम अल्लाह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अल्लाह हमारी मदद फरमाएंगे दूसरी बात हम इसमें यह भी सीखते हैं कि हमें हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को पढ़ते रहना चाहिए उनकी सीरा को पढ़ते रहना चाहिए और हर हर वक्त पे उन्होंने जो कुछ किया उससे हम लोगों को सबक लेना चाहिए हमें मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ पूरी जिंदगी उनकी पर्सनल भी और कम्युनिटी लेवल पे भी वो आजमाइशों से गुजरी वो सख्तीयों में उनके इर्द गिर्द हर तरफ सख्तियाँ थी दुश्मन थे सब कुछ थे लेकिन अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की मदद से अल्लाह की हिदायत से क्या वो तमाम चैलेंजेस जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बिल्कुल कम से फेस किया और पहले से स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग तर होते गए मजबूत से मजबूत तर होते कवि से कवि तर होते गए अब ये क्वेश्चन आता है कि उन्होंने कैसे वो चैलेंजेस को फेस करना मैनेज किया हाउ डिड ही मैनेज टू फेस ऑल दो चैलेंजेस नंबर टू हाउ ही एबल टू कम आउट ऑफ देम स्ट्रॉन्गर विद मोर इवन मोर इन्फ्लुएंस यानी ज्यादा एक तो फेस कैसे किया मैनेज कैसे किया नंबर टू ये और ज्यादा स्ट्रांग है सिर्फ मैनेज नहीं और ज्यादा स्ट्रांग हो गए और ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए नंबर थ्री हाउ डिड इ डिवेलप सच अ कम्युनिटी उन्होंने एक माश्रा कैसे डिवेलप किया जो कि स्टेटफास था जो स्ट्रांगर था जो डिफिकल्ट टाइम्स में जो डिफिकल्ट टाइम्स को भी फेस कर रही थी उनकी जिंदगी में भी और उनकी मरने के बाद भी आपने देखा जो उन्होंने माशरा कायम किया उनके बाद जो सहाबा थे वो सहाबा किस तरह के खुलफा राशिदीन को देखे सहाबियों को देखे किस तरह उन्होंने आप खुलफा का कोर्स पढ़ चुके हैं आप सहाबियों का कोर्स पढ़ चुकी हैं आपको मालूम है किस तरह उन लोगों ने ज़िंदगियां गुजारी किस तरह उन्होंने डिफिकल्टीज को फेस किया किस तरह उन्होंने कामयाबी हासिल की तो आप देखेंगे कि अगर आप उन लोगों की लाइफ्स को पढ़ेंगी जिस तरह आपने पढ़ा तो आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सिंपल सी जो उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो टीचिंग्स थे जो तालीमात थी जो उन्होंने अपने सहाबियों को सिखाया उससे आप ये चीजें सीख सकती हैं ठीक है ना तो अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुट स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हर डिफिकल्ट सिचुएशन में इंशाल्लाह तला जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन वो हमारी बेहतरी के लिए बन जाएंगे अब ये कौन से कॉन्सेप्ट जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों के अंदर इंस्टिल की कौन से कॉन्सेप्ट थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों में डाल दी जिसकी वजह से वो कामयाब रहे अब वो तो पैगंबर थे लेकिन पैगंबर के बाद भी जो नॉर्मल आदमी थे जो नॉर्मल इंसान थे वो भी नंबर वन इसमें अब ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करियो ठीक है नंबर वन कॉन्सेप्ट ये है कि आप ये समझ लें ये जान लें कि डिफिकल्टीज जो हैं वो टेस्ट्स हैं वो जो डिफिकल्टी आ रही है वो इन एविटेबल हैं तो उस ये सबसे फॉरमोस्ट सबसे फॉरमोस्ट और फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि आप उसको इन है आप उससे बच नहीं सकते आप उससे बच नहीं सकते आपकी जिंदगी में आजमाइशें आएंगी अल्लाह ताला सुरह अल अनकबूत में क्या फरमाते हैं सुरह नंबर ट्वेंटी नाइन आया नंबर टू हसीबन नासु आयुत आमन्ना कि आप आप ये 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 क्या गुमान करते हैं आप ये सोचते हैं 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 सोचते 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 लोग लोग मतलब सोचते हैं, लोग ये सोचते हैं कि उनको छोड़ दिया जाएगा वैसे ही छोड़ दिया जाएगा जबकि वो कहते हैं कि हम ईमान लेकर आए और फिर वो टेस्ट नहीं किए जाएंगे ये कैसे हो सकता है तो इसीलिए अगर हम ये बिलीव करते हैं हम ये क्लेम करते हैं कि हम अल्लाह पे ईमान लाते हैं तो हम क्या करते हैं हम और हम ये भी क्लेम करते हैं कि हम सही काम करते हैं गलत काम नहीं करते हैं हम ये भी कहते हैं कि हम गलत काम को अपोज करते हैं वी आर अपोजिंग वॉट इज रॉन्ग और अगर हम ये भी क्लेम कर रहे हैं कि हम जस्टिस को सपोर्ट कर रहे हैं और हम ये भी क्लेम करते हैं कि हम ऑपरेशन को जुल्म को फाइट कर रहे हैं ये मैं एम एस ए वालों को कह रही हूँ कि एमएसए वालों का एक ये उनका ये आ, एक आ, उनका एम होता है यही कि वो हर गलत चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और वो जुल्म को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और जस्टिस के लिए कर रहे हैं तो उनके ये जो क्लेम्स है कि हम ये कर रहे हैं वो टेस्ट किए जाएंगे जब वो टेस्ट किए जाएंगे उनके क्लेम्स उसके बाद के अल्लाह ताला उनकी मदद के लिए आएंगे जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबियों की मदद के लिए अल्लाह ताला पहुंच गए मतलब खुद नहीं पहुंचे उनकी मदद फरमाई दूसरी चीज ये याद रखें हर कोई याद रखे, को रखे सिर्फ एमएसए वाले नहीं आप लोग भी याद रखें मैं भी याद रखूं कि हर कुछ जो भी होता है वो अल्लाह की विल से होता है अल्लाह की अल्लाह की मर्जी से होता है अल्लाह के इरादे से होता है बाय द विल ऑफ अल्लाह अल्लाह की मशियत से होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें याद रखना कि कोई भी चीज नहीं हो पाएगी अगर अल्लाह ताला नहीं होने देंगे पूरी चीज है अच्छी चीज है फायदेमंद चीज है हर चीज में कुछ ना कुछ फायदा है ये हमको याद रखना है नथिंग कैन हैपन टू यू एक्सेप्ट जब तक अल्लाह ने उसको हमारे नसीब में नहीं अल्लाह ने हमारे नसीब में लिख दिया है तो वो चीज होके रहेगी अल्लाह ताला कहते हैं सूरह तौबा में सूरह नंबर नाइन आया नंबर फिफ्टी वन उल नहीं उसी इल्ला मा कतब अल्लाहु लना हुआ मौलाना कि आप कभी भी आपके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आ सकती है इल्ला मा कतबा जब मा कतब अल्लाह एक्सेप्ट के जो अल्लाह ने आपके लिए लिख दिया है लिख दिया है लना हमारे लिए जो लिख दिया है हुआ मौलाना वही हमारा प्रोटेक्टर है वो हमें अगर कोई मुसीबत आ रही है अल्लाह ताला वो होने देंगे और अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं हो सकता है और फिर उसके बाद अल्लाह ताला हमें प्रोटेक्ट भी करेंगे इनशा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कजन अब्दुल्ला अब्न अब्बास जिनके बारे में हमने पढ़ा था उनको नबी नबील ने क्या फरमाया आप जान लीजिए आप समझ लीजिए कि जो मुसीबत आई है वट एवर हिट्स यू वो आप कभी मिस ना करते मतलब वो आकर ही रहती आप ये मत सोचें कि अगर मैंने ये किया होता तो ये नहीं होता ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ ठीक है ना ये हमारा बिलीफ है अल्लाह पे है कि अगर ये हुआ तो वो हुआ उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं वो होके रहता तो ये बिलीफ जो है ये आपको और मुझे भी कंफर्ट देगी इतमान देगी कि अगर हमें कोई भी मुसीबत आ रही कोई तकलीफ़ आ रही है जो भी जिस आजमाइश से हम गुजर भी रहे अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएंगे ये होना था जिस तरह से हुआ जो हुआ हमें पसंद नहीं है हमें अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन अल्लाह की मर्जी इसमें थी कि यह होकर रहेगा अल्लाह ताली हमें हौसला दे हिम्मत दे सबर दे कि हम इन आजमाइशों में साबिर और शाकिर रहें और हम इन आज़माइशों को में कामयाब हो जाए नाकाम होने से बच जाए नंबर थ्री नंबर थ्री है फ्ली टू अल्लाह फ्ली टू अल्लाह अल्लाह की तरफ दौड़ो अल्लाह की तरफ भाग निकलो उसका क्या मतलब होगा कि हम यहां से आसमान पे जाएंगे कि हम खुदकुशी करेंगे नहीं इसका ये मतलब नहीं है इसका ये मतलब है कि अल्लाह को अप्रोच करो अल्लाह की तरफ बढ़ो अल्लाह के सामने दुआ करो अपनी खलुस दिल से दुआ करो और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह के पास हम पनाह पनाह के लिए जाए अल्लाह की मदद मांगे अल्लाह का सपोर्ट मांगे अल्लाह की हेल्प मांगे क्योंकि हमें मालूम है कि हर डिफिकल्टी जो अल्लाह के हुक्म से आती है अल्लाह के परमिशन हुक्म से लेके आप समझ लें कि परमिशन से आती है क्योंकि बाज चीज़ें अल्लाह खुद किसी के लिए बुरा नहीं चाह रहे होंगे लेकिन अगर कोई बुरा कर रहा है तो अल्लाह ताला उनको छोड़ भी देते हैं कि करें और वही है वही अल्लाह की ज़ात है जो हमारी इस डिफिकल्टी को हमारी इस तकलीफ को हमसे दूर कर सकती अल्लाह की जात है सिर्फ तो अपने अल्फाज में आप दुआ करें जो भी आपकी जो आपकी लैंग्वेज है आपकी मदर टंग है उसमें आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस मुसीबत को हमसे दूर कर दे हम इसमें नाकाम से बचा ले हमें इसमें कामयाबी दे हमें नबीन की ब्यूटीफुल दुआ है जो कि आप पूरी दुआ पढ़ सकते हैं आप बोले तो मैं आपको यह भेज दूंगी लेकिन इस वक्त में आपको सिर्फ फर्स्ट लाइन पढ़ के सुना देती हूँ क्योंकि काफी लंबी अल्लाह का अशकु दो अफा कुत वह हुआ इन नासी या अरहमर इतना मैं आपको बताती हूँ बाकी पूछा सब है आप रब में ट्रांसलेशन पढ़ के सुना देती हूँ अब कम रह गया तो तो इसका ट्रांसलेशन और ये कब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ की जब वो ताइफ से वापस आ रहे थे ताइफ में उनका क्या हाल हुआ आपको याद है वो कहते हैं मेरी जिंदगी का मुश्किल तरीन वक्त जो था वो ताइफ से निकलते वक्त थाइफ के लोगों ने उनको लहू लहान कर दिया उनके ऊपर पत्थर बरसाए उनको इतना तंग किया वहां से जब आ रहे थे तो अल्लाह से दुआ कर रहे थे और उनके लिए आए फरिश्ते आए उन्होंने कहा कि हम इन दो पहाड़ों के दरम्या कुचल कर नहीं उनकी दुआ का ट्रांसलेशन ये ओ अल्लाह टू यू आई कंप्लेन ओ अल्लाह मैं आपके सामने अपना अपनी कंप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने अपना ये जो है बयान कर रहा हूँ माई वीकनेस मेरी कमजोरी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज मेरे पास इतनी इतनी ताकत नहीं है कि मैं इससे खुद बर्दाश्त कर बिफोर और मैं जो मेरी लोग जो देख रहे हैं उसको भी मैं से कुछ नहीं कर सकता हूं। those, आप जितने लोग अरहम और राहमीन आप सबसे ज्यादा करने, करने वालों में से सबसे ज्यादा रहम करने वाला है फिर आप आप, आप हमारे लॉर्ड हैं आप हमारे रब हैं गरीबों के हैं आप, आप, आप कमजोरों के लॉर्ड हैं आप मेरे लॉर्ड हैं और आप um, मुझे um, जो कुछ आपने मेरे हवाले किया है जो आपने मुझे इंटरेस्ट किया है टू होम डू यू इंटरेस्ट मी फिर उसके बाद है कि uh, बहुत सारा लंबा है, अभी तक हमारे पास ना इस वक्त एनिमीज है ना कुछ है तो हम इतने लंबे ट्रांसलेशन में काफ़ी लंबा ही है देयर इज नो पावर एंड इज नो नो

नहीं कर रहे हैं हम लोगों की शिकायत ये बात याद रखें जब हम अल्लाह को कंप्लेन करते हैं उसका मतलब हम अल्लाह को ये नहीं कह रहे कि या ये आपने क्या किया ये गलत है ये ना है ये गलत कंप्लेन है जब हम कंप्लेन करें हम अपने जो लोगों ने हमारे साथ किया अल्लाह आप देख रहे हैं कि लोगों ने मेरे साथ क्या किया लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं मेरे ऊपर क्या गुजर रही है और फिर अल्लाह ताला से आप कंप्लेन करके अल्लाह ताला से आप अल्लाह की हेल्प अल्लाह की गाइडेंस अल्लाह की प्रोटेक्शन सब अल्लाह से मांगे ये सब अप्रोप्रिएट है अल्लाह अल्लाह की की मदद हिदायत अल्ला और अल्लाह की प्रोटेक्शन तीनों चीजें अल्लाह की हिफाजत में आने के लिए दुआ करें फिर नंबर टू बात यह कि आप ये सब मांग सकते हैं और जब हम दुआ स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अल्लाह को प्रेस करके स्टार्ट करते हैं अल्लाह की ये दुआ के एटिकेट्स हैं कि जब अल्लाह से दुआ मांगे तो अल्लाह की तारीफ करके मांगे जब हम कहते भी अलहमद ला रबी तो आप देख लें कि उसमें भी पहले हम तीन जो दो तीन सेंटेंसेज है वो हम सिर्फ अल्लाह की प्रेस कर रहे थे। उसके बाद हम असल दुआ पे आते हैं तो हम अपनी दुआ अल्लाह की प्रेर से करें अल्लाह के ये एक्नॉलेज करके करें कि अल्लाह ही कंट्रोल करने वाला है हमारी तकदीर हमारी कदर को सिर्फ अल्लाह ही कंट्रोल कर सकते हैं और कोई और हमें हेल्प नहीं कर सकता इस मौके पे सिर्फ अल्लाह के अलावा ये मैंने एम एस ए वालों को यही कहा और आप लोगों को और मुझे भी यही याद दहानी करा रही हूँ कि जब हम खुद हेल्प करेंगे और अल्लाह से हेल्प मांगेंगे खुद आगे बढ़ेंगे अल्लाह से हेल्प करने के लिए तो अल्लाह ताला जरूर हेल्प करेंगे अल्लाह कहते हैं जब मेरा बंदा मुझसे मांगता है तो मैं उसको जवाब देता हूँ और फिर ये भी

कुछ मैंने ऐसा काम तो नहीं किया ऐसी हरकत तो नहीं की जिसकी वजह से मुझ पे ये आ गया आपको शायद कभी भी पता नहीं चले मुझे पता नहीं चले कि मेरी वजह से है किसकी वजह से है लेकिन जब भी भी कोई डिफिकल्टी आए कोई भी आजमाइश हो अपने एक्शंस को जरूर एग्जामिन करें ये अल्लाह की तरफ से वार्निंग भी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि हम हमारी किसी एक्शन की वजह से क्योंकि हमने कोई ऐसा काम किया कि हमें उसके बदले में क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूर्य अशूरा में

फबीमा कसबत का सब्बत तो ये हो सकता है कि मतलब तो वो सकता है कि आपके हाथों से आपने अल्लाह ताला नहीं कह रहे हैं कि हो सकता है लेकिन मैं आपको कह रही हूँ ये फबीमा कसबत वो आपके हाथों से हो रहा है एदी जो आपके हाथों ने खुद कमाया तो आप फिर अल्लाह कहते तो हैं भैया अफुआन तो इसकी वजह से आप अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और वो माफ़ करने कर वो माफ़ करने वाले अनकसीर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाले हैं बिकॉज़ हम गलती पे चले गए हमने कोई गलत काम कर दिया उसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमको सज़ा थोड़ी सी दे दी लेकिन इन ताला हम अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे वो सज़ा भी टल जाएगी इनशाला हम ठीक भी हो जाएंगे हम आजमाइश में भी पूरे उतर आएंगे हमारा रिएक्शन भी ठीक होगा एक्शन भी ठीक होगा और अल्लाह ती हमें वापस ट्रैक पे भी ले आएंगे और अल्लाह ती हमें माफ़ भी कर देंगे ये का बहुत बड़ा कमाल है ठीक है ना नंबर पांच भी आप um, क्या कहते हैं अपना ट्रस्ट अल्लाह पे रखें और मायूसी ना करें, रहें, पैनिक भी नहीं करें और, और, और मायूसी भी ना करें क्योंकि ऑप्टिमिस्ट um, uh, अगर हम रहेंगे तो हमें दो इंपॉर्टेंट एटीट्यूड्स हैं कि जो होप और ऑप्टिमिज्म वो हमें नबी सला सिखाई है जब कोई भी डिफिकल्टी हो तो होप रखें होप रखें यानी आप उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला इनशा हमारी मदद करेंगे और ये सब कुछ गुजर जाएगा इन सब कुछ अच्छा हो जाएगा अल्लाह ताला, ताला, ताला कुरान में भी कहते हैं ला तख्ना तु रहमत यानी कभी भी अल्लाह की मर्सी से अल्लाह के रहम से आप मायूस ना हो ला तो आप कभी भी होप लूज करें और अल्लाह तला वो किस सूरह मुझे याद नहीं है अल्लाह तखनात में रहमत मुझे याद आ गया तो मैंने कह दिया लेकिन और अल्लाह के ऊपर करते हैं बिलीवर्स जो है मोमिन जो है वो अल्लाह के ऊपर तवक्ल रखते हैं तो हमें भी तोल तो वकफा बिल्ला ही वकीला ये भी दुआ पढ़ती रहना चाहिए और हसबल ये भी पढ़ते रहना चाहिए और अपने तमाम इशूज के हवाले विदु अमरी ये भी पढ़ते रहना चाहिए। Number six, रहना चाहिए। चाहिए। जो भी हमारे ऊपर मुसीबत आई है जो भी आजमाइश आई है उसको सॉल्व करने के लिए उस पर बैठ के डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है उस पर बैठ के रोना धोना नहीं है क्योंकि हमारे साथ ये होता है कि जब हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आती है हम बैठ के इंक्लूडिंग माइ सेल्फ बहुत ज्यादा कि कुछ भी चीज होता है हम आ, बस एक आ, हम बस बैठ जाते हैं रोना धोना ये एक डिस्ट्रैक्शन है हम रो धो के अपने आप को दिल को हल्का कर लेते हैं लेकिन क्या हम अल्लाह से रोते अल्लाह से मांगते वक्त रो रहे हैं वो अलग बात है यानी हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं उसमें हमें रोना आ रहा है और अल्लाह से कह रहे रही अल्लाह इस आजमाइश को हम पर से उतार दे लेकिन हमारा क्या होता है कि हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं मैं अपनी बात कर सकती हूँ कि वो डिफिकल्टी हमने जो हम अच्छा कर रहे हैं उससे भी दूर कर देती है हमारा दिमाग में बस यही बैठ जाता है कि अब क्या होगा अब कैसे होगा और हम जो है जो मेन मकसद है हमारी जिंदगी का और जो हमारे इस डिफिकल्टी को सॉल्व करने की जो भी तरीका है उसको छोड़ के हम किसी और राह पे चल निकलते हैं बस परेशानी नहीं निकल नबी नबीन को देखे उन्होंने कभी भी स्टॉप नहीं किया कभी भी नहीं रुके अपना मैसेज डिलीवर करने से कोई भी डिफिकल्टी आई बीवी का इंतकाल हुआ बेटी के बच्चों के बच्चों का इंतकाल हुआ बेटों का हुआ बेटियों की तलाकें हुई जो भी हुआ सब कुछ हुआ माशाला वो देखें, आप उनको हमेशा उन्होंने अपना मैसेज डिलीवर करते रहे किसी ने उनको थ्रेट दिया किसी ने उनको टॉर्चर किया उनके एनिमीज ने उनको तंग किया दुश्मनों ने उनके उनको मारने की साजिश की उनके ऊपर क्या, क्या क्या फेंक दिया लेकिन वो कभी भी अपने रास्ते से नहीं हटे हटे तो सूरह क़सस में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नंबर 28 आया नंबर 87 वाला या सद्दनक अन आयतिल्लाह बादा इज उनज़िलत इलै aidु इला रब्बिक वला तकुन्ना मिनल मुशरिकिन कि आप कभी भी उन या सद्दनक आप उनको रास्ते हटाते हैं ना जो आप उनको अवर्ट करते हैं फ्रॉम द वर्स आप जो खुद नहीं वला यसद्दनक आप अपने आप को अल्लाह की अन आयात अल्लाह की वर्सेस में से अल्लाह की आयत से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करें हटाए मत आप रोके मत अपने आप को जो आपके ऊपर रिवील हुए हैं और अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहते हैं आप लोगों को इनवाइट करें उन लोगों को अल्लाह की तरफ इनवाइट करें वदो अला रबिक अल्लाह के अपने रब की तरफ लोगों को इनवाइट करें वल्ला तक ना मिलन मुश्तकिन और उनमें से नहीं हो जाए हमें भी कह रहे हैं उनमें से नहीं हो जाए जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करते हैं क्यों शरीक कर रहे हैं हम तो मुसलमान है इसलिए कि जब हम लोग हम हमें कुछ तकलीफ पहुंचाते हैं हमारे ऊपर कोई आजमाइश आती है तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम उन लोगों को आ, उन लोगों के साथ डील करने में रख जाते हैं अल्लाह को पुकारना छोड़ देते हैं जब हम अल्लाह को पुकारना छोड़ देते हैं हम दूसरों के उसमें लग जाते हैं और या तो फिर और भी शिरक हम कैसे कैसे करते हैं आपको तो पता है ना कोई मजारों पर जाता है दरगाहों पर जाता है कोई किसी अम, सेंट के पास जाता है और कहता है मतलब आप सोचें एक मरा हुआ इंसान है उसके दरगाह पे जाके आप सजदे लगा रहे हैं आप दुआएं मांग रहे हैं और आप कहते हैं ये मुझे हेल्प करेगा वो अपने आप को हेल्प कर ले अपने आप को कैसे हेल्प करेगा ना वो आपकी आवाज़ सुन सकता है ना वो आपकी मदद कर सकता है इस किस्म की शिरक है और फिर उसके बाद आप किसी और आलिम के पास

અનામ નેમ કે લિયે કર રહે ના ફેમ કે લિયે કર રહે આપ ઇસ લિયે નહી કરને કે લોગ કે આપ ઇસ હજમાઈશ મે સે નિકલ જાયેંગે આપ કોઈ મસલા હલ કર દેંગે તો લોગો મે આપકી બડી બડા ચર્ચા હો જાયેગા ઓ ઇસને યે કિયા ઇસને વો કિયા આપકો ફેમ ઓર નેમ નહી ચાહીએ આપકો મશહોરી નહી ચાહીએ આપકો આપકા નામ બહોત લોગ અચ્છા આપ સિર્ફ ઇસ લિયે કરે કે આપ અલ્લાહ કો પલીઝ karna ચાહ રહે હે ઓર આપ અલ્લાહ સે રિવોર્ડ હાസിൽ karna ચાહ રહે હે જો અલ્લાહ કા રિવોર્ડ હોગા વો દુનિયા મે ભી હોગા અખરત મે ભી હોગા જો લોગો કા રિવોર્ડ હોગા આપકા ઓ જબરદસ્ત ઇસને તો યે કામ कर दिखाया वो रिवॉर्ड आपको यहां तो मिल जाएगा लेकिन आखरेत के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा ये एक टीचिंग है कुरान की तालीमत है जो कि हमें अपने अंदर इंस्टेल करना है ठीक है हमने अपने अंदर इसको जहन नशीन कर लेना है समझ ले कैलॉमिटी आए कोई भी डिफिकल्टी आए चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो चाहे वो हम किसी और ने आपको हार्म करने की कोशिश की हो हमें पेशेंट रहना है परसिवरेंट रहना है और हम अल्लाह ताला से रिवॉर्ड एक्सेप्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोगों से नहीं क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कुरान में भी कहा है सूर्य शाह में, सूर्य नंबर 94, फोर क्योंकि ये क्लैमिटी क्लैमिटी हमेशा नहीं रहेगी ये ओवर हो जाएगी अल्लाह तला ने कुरान में हमसे वादा किया मतलब डिफिकल्टी तो हर डिफिकल्टी के साथरा माल उ मतलब ईज आसानी हर मुश्किल के साथ एक आसानी हर मुश्किल के साथ आसानी है तो जब आसानी आ जाती है इन शाह जब आसानियाँ आ जाएंगी तो वो जो दुख था वो जो दर्द था वो जो गम था वो जो तकलीफ थी वो जो फ्लिक्शन था वो जो मुसीबत हमको लगती थी वो सब चीजें चली जाएंगी वो दुख दर्द खत्म हो जाएगा और वो हम भूल भी जाएंगे लेकिन हमेशा के लिए क्या रहेगा हमारे पास अल्लाह की तरफ से एक रिवॉर्ड होगा क्योंकि हमने अल्लाह की रज़ा के लिए हमने सब्र किया और शुक्र किया अल्लाह ताला सूरह बकरा में भी कहते हैं आपको पता है हम सबको क्या हुक्म है सूरह बकरा में आया नंबर 155 से 157 कि जब आपके ऊपर कोई मुसीबत जिन लोगों के ऊपर मुसीबत आती है तो किस किस चीज़ की मुसीबत आ सकती है फियर यानी खौफ हंगर यानी भूख लॉस ऑफ प्रॉपर्टी माल और उसका लॉस उसमें नुकसान एंड लाइव लोगों का लोगों की डेथ या लोगों की बीमारी और फ्रूट्स किसी भी चीज में अपने रिस्क में किसी भी चीज में तो अल्लाह तला क्या कहते हैं उन लोगों को खुशखबरी दे दो कि जो सबर से रहे जब उनको ऐसी कोई मुसीबत आई तो उन्होंने क्या कहा इन नाही व इन नही मतलब क्या हुआ कि बेशक हम अल्लाह की तरफ से आए हैं हम अल्लाह को बिलोंग करते हैं और अल्लाह की तरफ ही हमारी वापसी है रिटर्न है और फिर अल्लाह तला कहते हैं जब वो ये कहेंगे जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आई उन्होंने ये कह दिया तो वही लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह त्लेसिंग अपनी बरक़ात फरमाएंगे और यही वो लोग हैं जो राइटली गाइडेड जो कि सही रास्ते पे हिदायत पर है नंबर आठ ये आपका लास्ट पॉइंट है नंबर जो मैंने उनको बताया था शायद और पॉइंट्स थे इसमें लेकिन नहीं निकाल दिए होंगे कि जब ऐसी कोई मुसीबत आती है कोई एफ्लिक्शन आती है नॉर्मली क्या होता है ये एमएसए के लोग थे ठीक है ना नॉर्मली क्या होता है एक बंदा आके कुछ कहता है पता है यू नो फला फला ने ये किया था दूसरा कहते नहीं, नहीं नहीं फला ने तुम्हारे मतलब ये बोला था और चूंकि वो स्टूडेंट्स हैं वो भी उस वे हो जाते हैं उनको ऐसे लगता है ओ ऐसा ना हो कि तो दूसरे स्टूडेंट से उसकी दुश्मनी स्टार्ट हो जाती है हम भी एज वेमेन हमारे पास भी ये होता है मुझे आके कोई बोल देगी आके कि आपके मुतालिक जो है समझे फ़रीदा ने कहा या मिसबा ने कहा या आरफा ने कहा जो भी आके आपके मुतालिक ये कह रही थी अब मैं दिमाग में अगर ये बात रख लूंगी तो क्या होगा ये बहुत गलत बात है ये बहुत गलत बात है कि आप किसी की बैक बाइटिंग एक तो है नंबर टू वो आके आपसे गॉसिप कर रही है बैक बाइटिंग कर रही है ऊपर से आप उसकी बात सुन रहे हैं बगैर किसी प्रूफ के बगैर किसी प्रूफ के आपको प्रूफ मिल भी जाए तो आप ऐसा करें जिसने आपके मुतल कुछ कहा आप उसे माफ कर दें अल्लाह ताला आपको माफ कर देगा लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको ट्रूथ आपको इन्वेस्टिगेट तो करना पड़ेगा ये मैंने एमएसए वालों को इसलिए कहा कि एमएसए में ऐसा होता है तो उनको मैंने कहा कि आप उसका जो फाइंड द रूट कॉज क्यों हुआ था ट्रूथ क्या थी असल में क्यों ये गड़बड़ हुई तो उसमें अब एफ्लिक्शन तो आई है लेकिन जब आपको लोग आके बता रहे हैं कुछ के फलां फलां तो आप इन्वेस्टिगेट करें सुरह हुजरात में भी बहुत क्लियर है सुरह नंबर फोर्टी नाइन आया नंबर सिक्स अल्लाह कहते हैं या याजीना आमन इन जाते पता भैया तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करें जब कोई आपके पास आता है कोई खबर लेके तो आप इन्वेस्टिगेट करें और फिर आगे और भी है कि ऐसा ना हो कि बाद में आपको अफसोस हो कि आपने ये क्या काम कर दिया किसी के साथ और जब आपको पता चल जाता है कि रीजन क्या है रूट कॉज क्या है अपने रिश्तेदार हैं दोस्त हैं कोई भी हैं एमएसए वाले हैं आपके बच्चे हैं जो भी हैं उसके ऊपर जब आप कोई भी एक्शन लेंगे वो एक्शन शुड बी बेस्ड ऑन जस्टिस एंड कंपेशन जस्टिस का मतलब है इंसाफ के साथ कंपैशन का मतलब है रहमदिली के साथ ये दो चीजें अपने अंदर बसा लें अपने अंदर इनको कहते हैं ना दिल के अंदर इसको जगह देते हैं और इसके अलावा आप कभी भी कोई भी फैसला करें तो इंसाफ और रहम के अलावा आप कोई फैसला नहीं करें आपको पता चल जाए इंसाफ के साथ एक और स्टेप आगे क्या है जब आप रहमदिली करेंगे आप एहसान करें एक तो आप इंसाफ करेंगे इंसाफ से ऊपर आप एहसान करें एहसान क्या है इंसाफ से भी बढ़ के हैं उससे भी ज्यादा है जिसने आपके साथ बुरा किया जो कुछ भी किया आप उसके साथ ऐसा करेंगे कि अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं आप इतना अच्छा आप उनके साथ बर्ताव करेंगे बेहतरीन सुलूक करेंगे फिर मैंने उन लोगों को स्टूडेंट्स को जो है मैसे वालों को जस्टिस पे और कम्पेशन पे जरा थोड़ा लंबा चौड़ा उनको लेक्चर दे दिया था ताकि वो उनका टाइम अभी था तो उसको वो मैंने बता दिया था और फिर उनका थर्ड पे चली गई थी आ, लेकिन हमारे लिए अब मैं ये बोल रही हूँ कि एज अ ट्रू फॉलोअर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर हम सही हम कहते हैं हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं इतबा करते हैं तो जितना भी ह्यूमनली पॉसिबल हम कम्पैशन और जस्टिस को अपने उसमें रखें जो भी कोई जिसके पास कंपेशन नहीं हो जो क्रूअल है जो इंसाफ नहीं कर रहा है जो दूसरों की फीलिंग्स के लिए उसकी सफरिंग्स के लिए वो सेंसिटिव नहीं है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ट्रू फॉलोअर हो ही नहीं सकता है। हो ही नहीं सकता अगर आपके दिल में नरम नहीं है किसी के लिए रहम नहीं है तो आप कैसे दूसरों के साथ आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप नबी नबीसम को फॉलो करें इनफैक्ट कम्पेशन जो है वो आपका ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम जो है वो उसको बता रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इस्लामिक टीचिंग्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम दूसरों के लिए कंपेशन रखें तो लेसन क्या है कि जो अल्लाह में बिलीव करता है और जो सीधा रास्ता ढूंढ रहा है तो वो ये सोचे कि अगर मैं दूसरों के साथ एहसान करूंगी दूसरों के साथ मैं नेकी करूंगी दूसरों के साथ मैं इंसाफ करूंगी दूसरों के साथ मैं कंपैशन करूंगी रहम दिल्ली करूंगी तो क्या होगा अल्लाह ताला मेरे साथ मेरे ऊपर रहम फरमाएंगे जिसने गलत किया है या सही किया उनके अमाल अल्लाह ताला खुद उनसे आप उनको माफ कर दें लेकिन अल्लाह ताला खुद अल्लाह की जजमेंट है अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें अल्लाह तला के ऊपर छोड़ दें किसी ने आपको बहुत भी तकलीफ बहुत भी दुख पहुंचे आप अल्लाह तला के ऊपर छोड़ दें हमारी अपनी वीक जजमेंट जो है हम वो ना एग्जर्ट करें तो हमारी जजमेंट क्यों हम जो जजमेंट करते हैं बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड होती हैं हम ये भी सोचते हैं कि हमारी ईगो है भाई वो हमें ऐसे कह रहे हैं लोग क्या समझेंगे मेरे मुतालिक हमारी कुछ इंटरेस्ट हो सकती है हमारी कुछ बिलीफ हो सकती हैं हमारे आम, आ, कुछ आ, एथनिक Uh, या कुछ uh, ऐसी भी हमारी बायसेस हो सकती हैं um, भाई मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं पाकिस्तानी की मदद करूँ ये भी हमारे अंदर बायस आ सकती है ना तो ये चीजें देखें कि हमें हमारी जो भी हम जजमेंट करेंगे इट वॉन्ट बी अनबायस्ड इट कैन बी अनबायस्ड लेकिन नॉर्मली क्या होगा हम बहुत सारी हमारी जो वीकनेसेस हैं हमारी फॉल्ट्स हैं हमारी डेफिशंसिस हैं हमारी शॉर्टकमिंग्स हैं वो सब उसमें आ सकती हैं सिर्फ अल्लाह है जो इम्पार्शली जो है वो इमपार्शली जज कर सकते हैं ठीक है तो हमारी जो रिस्पेक्ट है हमारी जो कंपेशन है वो सिर्फ हमारे अपने बच्चों हमारे बाल बच्चों के लिए नहीं होनी चाहिए किसी खास ग्रुप के लिए नहीं होनी चाहिए इट शुड बी वाइड इट शुड बी फॉर एवरी वन एवरी पर्सन ठीक है चलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये सेकेंड पार्ट भी खत्म कर लिया हमने कोई सवाल आते हैं तो प्लीज पूछ लीजिए और पूछिए प्लीज जिससे पूछना है जल्दी पूछें आलेकुं। आलेकुं, आपके जो सवाल थे जवाब आपको मिल गए कि नहीं? शौर्ट? जी जी जी. आपको दे. बहुत मिले. और, और सही है अब बात वही वाली पढ़ने के हद तक तो बहुत अच्छा लगता है. लेकिन जब प्रैक्टिकल चीजें आती हैं तो बहुत डिफरेंट हो जाता है तो वो एक है इंसानी कमजोरी लेकिन मुझे सूर्य हमजा इसलिए लग रही थी जैसे सूर्य गुजरात आपने कोट की हमजा हाँ सूर्य हमजा का मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी ये हमारे पास जो टेलीफोन है और ये सूर्य हमजा बस मुझे इतनी लगती है साथ साथ काम करते हुए कि वो फितने कहा से उठते और बीच से जैसे आपने कहा ना कि जैसे हर चीज एक साइकिल चल रही है किसी को कोई चीज बीच से समझ आई किसी ने किसी की गवाही बीच से मांगी तो ये गवाही और ये जो भी एमएसए के चक्कर होते हैं बच्चे मेरे जा गया उस उसमें तो ये जो बीच की जो दूसरी चीजें होती हैं उसमें ऑनलाइन ये और ये सब चीजें भी हैं। मैं आती हूँ जवाब पे मिसबा जो आप कह रही है ना बीच की चीजें आपका प्यार है आपका प्यार है। आप व्हाट्सएप और फेसबुक और इन चीजों को आप पढ़ें या ना हुँ। आप लोगों को तो इस ग्रुप्स में आप रहे या ना रहे आप पे अमल करें या ना करें दिस इज नॉटिंग विच इज फर्स्ट

Uh, इस चीज को एज फुल uh, एहसान के तरीके पे एक तो देखें और अपने uh, कहते हैं ना जो सामने वाला अगर कोई किसी के लिए कुछ भी वो दिखाया जा रहा है वो भी सर्टेन एक ही साइड की बस इतनी विंडो खोल के दिखाया जा रहा है जो पूरी विंडो है वो तो इंसान को, को ही पता होगा मेरी बहन क्वेश्चन है क्वेश्चन यही है कि कैसे इंसान कैसे इस चीज को सोसाइटी में जब वो रहता है इंटीग्रेटेड तो वो यानी वो लोगों के साथ जुड़ा हुआ है वो नहीं जुड़ने खत्म हो रहा और हर एक का एक साइड है तो वो जो साइड है वो हम कह भी रहे हैं कि जज नहीं करो हम कह भी रहे हैं ये नहीं करो सब सारी चीजें हैं लेकिन एट द सेम टाइम आप उसके पकड़ में भी एट द सेम टाइम है तो आप हमें बचाएंगे कैसे प्लीज बचाएंगे इस दुनिया में जो चल रहा है उसे बचाएंगे कैसे मैंने साफ साफ कर दिया रखना है आपने किसी जजमेंटल नहीं होना है जब आपको कोई खींचता है आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करें ठीक है ना बात क्लियर हो गई बस इससे बढ़ के आपने कुछ नहीं करना है और अल्लाह से दुआ मांगना है फ्ली टू वर्ड्स अल्लाह लेकिन हर एक हर एक इन्वेस्टिगेशन एक तो उसके पास ओपन होगा भी नहीं क्योंकि different, different वो कहते हैं तो ना है, तो है okay. है. है, और लोगों को ये क्वेश्चन okay. इंपॉर्टेंट लग रहा है उसके बाद फिर okay. अगर नहीं है तो फिर मैं आपसे अलीहदा में जिस तरह आप और मैं पहले भी बात करते रहे फोन पे सही करेंगे इन ठीक है ना सवाल आरफा सभी कोई सवाल है आप लोगों के लिए तो पूछ लीजिए जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हम लोगों के घरों में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है जी, और होता है पाकिस्तान में जैसे हम सबके घरों में ज्यादातर तो क्या इस मौके पे हम अपने जैसे देवर हैं जेठ हैं उन लोगों से मुखातिब होते हैं तो क्या क्या ये आई कनेक्शन हमारा दिल्कुण दिल्कुण कुछ हम आप कनेक्शन कर, कर सकते हैं देवर के साथ भी जेट के साथ भी आप जाहिर है उनको घूरते तो रहें नहीं रहेंगे इस तरह तो जाहिर जी हाँ बस जब आप बात करेंगे तो बदतमीजी से तो नहीं करना है ना किसी से आंखें चुराना तो नहीं है ना आपने वो भी एक तरीका होता है आंखें चुरा ली तो आंखें दिखा ली वो भी नहीं करना है नॉर्मल जस्ट बी नॉर्मल जिस तरह आप मेरे साथ बात करती हैं इस तरह उनके साथ बात करें जिस तरह आप किसी भी आदमी से बात करती हैं इसी तरह उनके साथ भी बात करें बस अगर आपको लगता है कि देवर जेट जो है वो कोई गलत मतलब ना ले लें तो फिर आपको लग रहा है कि अगर वो ले सकते हैं तो फिर आप उस जगह पर थोड़ा सा एहतियात करें यही है बस कपड़े अपने पूरे पहने होंगे आपने हिजाब लिया हुआ होगा तो फिर ज़ाहिर क्या होगा उनको पता है आप भाभी हैं तो वो इनशाला नहीं भी कुछ होगा आपने खुद है क्या करना है उनके साथ उनको पता चल जाता है जस्ट बी योर सेल्फ सबिया अतिया इरशादा प्लीज बोले कोई सवाल है तो इसी से मुल्लिस कोई सवाल है तो <tip> अगे अगे। नहीं हम हम बच्चों को प्लीज ये जरूर सुना दीजिए शेयर इट विद यू कैन जो लोग अभी कॉलेज में है यूनिवर्सिटीज में है क्योंकि आई थिंक उनके लिए बहुत जरूरी है इर्शादा आपको मना है की नमाज नहीं मना नहीं है मना नहीं है लेकिन बरकत है अगर आप फजर के बाद बहुत लंबा दिन आपको मिल जाता है अगर आप जाग रहे हो तो लेकिन किसी वक्त भी सोना मना नहीं ना फजर के बाद ना असर के बाद कोई भी वक्त ऐसा नहीं कि आपको मना है सोना सो सकती हैं आप जी, जी। आ, अतिया जजाक अल्लाह खैर जजाक अल्लाह नो अल्हम्दुलिल्लाह आंटी आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन जब लोगों के साथ डील करें तो हमारा खासकर जो जॉब वाले जैसे कि अब मिसबा है, है तो उनको इसीलिए बहुत सारे सवाल आते हैं फिर उनके बच्चे भी अब स्टेज पे हैं कि वो कॉलेज में आ गए तो फिर इसीलिए उनके लिए बहुत सारे सवाल है बच्ची ऑलरेडी नोज ऑल दी आंसर माशा माशा मैं कहती हूँ ना शी इज वेरी नॉलेजेबल मिसबा बहुत नॉलेजेबल है आपको सब पता है आपने इतनी क्लासेस अटेंड किए हैं लेकिन ये फिर भी आप बेहतर से बेहतर होने की कोशिश करती है अल्हम्दुलिल्लाह और हर किस्म की नहीं, अमल, अमल नहीं है, मुझे आपका ये लेक्चर इंग्लिश में है इंग्लिश में था लेकिन मैंने रिकॉर्ड उस वक्त नहीं किया था लेकिन मैं अच्छा हाँ ये पूरा इंग्लिश का ही था उसको मैंने अभी थोड़ा सा चेंज करके हमारे लिए किया है लेकिन आप अगर चाहेंगे किसी वक्त तो मैं इंग्लिश में रिकॉर्ड कर दूंगी जो हाँ प्लीज लेकिन तो तो दोबारा से मैं उस फॉर्मेट पे जानने के लिए के मैं सिर्फ एमएसए के लिए कहूँ मुश्किल होगा बट आई विल ट्राई के आपको आप सबसे ये कहना था मैं भूल गई थी एक्सीडेंट हुआ तो प्लीज आप लोग नौरीन के लिए बहुत दुआ करें बहुत दुआ करें की अल्लाह उनको जल्दी से अल्लाह तिफाय को ली थी गाड़ी में पीछे से किसी ने मारा है तो ऑलरेडी हाँ। आप उनको डिस्क का प्रॉब्लम है तो पीछे से कोई मारे गाड़ी पे तो वो डिस्क का प्रॉब्लम हो है। तो सब दुआ करें उनके लिए हाँ उनको टेक्स्ट करना हो तो टेक्स्ट कर दें फोन ना करें क्योंकि फोन वो उठा नहीं पा रही है पहले दिन उन्होंने बात मुझे वॉइस मेल छोड़ा और उसके बाद से मैं तीन चार दिन से अब फोन जब करती हूँ उठा नहीं पाती है तो बस अल्लाह ताला उनको शिफाय कुली दे घर में में है है घर कि में नहीं नहीं घर पे जब मैं मुझे जब घर पे है वो अल्लाह का शुक्र है बस आप दुआ करें उनके लिए बहुत दिन्दुण। और दूसरी बात ये कहनी थी कि ये कोर्स हमारा जो ये अब खत्म हो गया है आज अल्हम्दुलिल्लाह और जो अब हमारा थर्सडे वाला कोर्स है वो बाकी है इनशाला तो थर्सडे को अब मिलेंगे इनशाला इशार्ण। और इशार्ण इशार्ण। आपका सवाल मुझे याद है वो मैं आपको मैंने आपको बताया था कि आपके बेटे के लिए मैं शेख से पूछ के और शेख का जवाब जो है वो उनको इनशाला आपको दे दूंगी ना क्योंकि मैं फाइनेंशियल उसके बारे में मैं कोई ऐसी बात नहीं कह देना चाहती हूँ क्योंकि कुछ व्यूज जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट आपने बैंक का पूछा था बैंक की नौकरी का तो कुछ व्यूज ऐसे हैं भाई बैंक की तो नौकरी बैंक की नौकरी में तो कुछ भी नहीं मैं तो अपनी मेहनत कर रहा हूँ ये दो एक्सट्रीम्स हैं तो बीच में एक ऐसा व्यू भी है कि नहीं बैंक की नौकरी जो है वो आ, कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आप किसी इंटरेस्ट तो, के पैसे होते हैं वो सूट अब मैं आपको बता रही हूँ कि पैसे जो है उसको अगर आप अगर आप उसको विटनेस कर रहे हैं कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो सब हराम है ठीक है ना लेकिन मैं आपको डिटेल जवाब दूंगी इस वक्त आप मेरे जवाब को मत समझे ये भी मत समझे कि मैं भूल गई इनशाला मैं दूंगी तो सब एक दूसरे को दुआ में याद रखें या आज का कोर्स खत्म हुआ।, हुआ ये कोर्स अब जो है नेक्स्ट कोर्स का होगा आपका थर्सडे का होगा और फिर इनशाला रमजान के बाद मिलेंगे تو دوام میں یاد رکھیں اوکے السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ وعليكم السلام جزاك اللہ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم جزاك الله خير